हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। तो बेटा, इस लेक्चर में हम अपना जितना भी हमारा बायोलॉजी में टर्म वन में हमारा जो भी जितने सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, उन चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसा ही हमारा रिवीजन के फॉर्म में होगा। तो देखो, इसमें हमारे फोर चैप्टर, जैसे कि आपको पता है कौन कौन से हमारे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट है, सेकंड चैप्टर हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, एंड थर्ड चैप्टर जो है हमारा रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, एंड फोर्थ चैप्टर आपका जेनेटिक है, जिसमें कि आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस है, एंड लास्ट चैप्टर जो है आपका मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, स्मॉल बायो, क्लियर। तो उस चैप्टर में आपके जितने भी सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को अभी, मतलब उन्हीं टॉपिक को अभी हम डिस्कस करते हैं। फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी बताती हूँ कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से कैसे पुट अप होते हैं, क्लियर। तो उसमें देखिए, फर्स्ट आपका क्या है, ये फर्स्ट आपका क्या है, इसमें यहाँ पे आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा है एंड मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा है। तो जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, उसमें क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, ठीक है, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंड मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ अ फीमेल गैमेट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। ये आपका फीमेल का हो गया, ये फीमेल डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, और ये मेल का डेवलपमेंट होता है। अब इसमें आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर आपका किसका है, मैच्योर एंथर का, मतलब एक पहले तो एंथर होगा, देन फिर आप एक इसका मैच्योर एंथर का स्ट्रक्चर देखोगे। तो देखो, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से है, दिस वन इज कॉल्ड एंथर लूप, ये क्या है आपका एंथर लूप है, एंड एंथर लूप के अंदर क्या होता है, पोलन सेक होता है, एंड पोलन सेक के अंदर आपका पोलन ग्रेन होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, पोलन सेक, एंड दिस वन इज कॉल्ड पोलन ग्रेन, ठीक है, एंड दिस इज द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द फिलामेंट। ये आपका क्या होता है, फिलामेंट होता है, विच इज अ टेस्ट टू द एंथर लूप, जो कि एंथर लूप से टेस्ट होता है, क्लियर। अब ये कंडीशन जो होती है वो हमारी क्या होती है, एज अ मोनोथीकस, ये जो आपका बनाया मैंने जो सर्कुलर जो एंथर लूप बनाया, दिस इज कॉल्ड द थीका, ये क्या है, मोनोथीकस है। एक स्ट्रक्चर्स मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से बना सकती हूँ, ये स्ट्रक्चर्स क्या है, ये है डाइथीका, ठीक है, बट टेट्रास्पोरोजेनेट, ये आपके चार स्पोर्स बने हैं तो उसको टेट्रास्पोरोजेनेट बोले जाएगा, और ये जो दो बने हैं इसको बोला जाएगा बाइस्पोरोजेनेट, क्लियर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, जब ये स्ट्रक्चर फुली मतलब मैच्योर हो जाता है, तो पोलन सेक यहाँ से क्या होता है, डेहिसेंस हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है, एंड देन पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे यही बताया, पोलन ग्रेन्स हो गया, ये पोलन सेक हो गया, लाइंस ऑफ डेहिसेंस, जहाँ से लाइंस, ये जो लाइन होती है जहाँ से वो डेहिसेंस करने में हेल्प करते हैं, और ये फिलामेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है, मिडिल लेयर्स, यहाँ पे पूरा इसका मिडिल लेयर, अब लेयर्स का मतलब यहाँ पे मैम्ब्रेन दे रखी है यहाँ पे सारी। तो सबसे फर्स्ट जो मैम्ब्रेन आपकी एपिडर्मिस, सेकंड आपकी क्या है एंडोथीशियम, थर्ड मैम्ब्रेन आपकी मिडिल लेयर, एंड फोर्थ आपकी टैपेटम। देखो, फर्स्ट आपकी कौन सी होगी, अच्छा इधर देख लेते हैं हम, यहाँ पे ये रहा एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीशियम सेकंड वन होगी, वैसे तो आपको पता है कि जो आउटर होगी वो एपिडर्मिस होगी, सेकंड वन जो होगी वो या तो मिडिल ही होगी या फिर आप मेसोर बोलोगे उसको। तो यहाँ पे इसका केस में थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे आप इसकी सेकंड मैम्ब्रेन को क्या बोलते हो, एंडोथीशियम, क्लियर, एंड मिडिल लेयर ये आपकी क्या होगी, थर्ड मैम्ब्रेन इसकी मिडिल लेयर। इसमें आपसे सिक्वेंसिंग पूछ सकता है इसकी, ये जो आपका मैच्योर एंथर है इसकी सिक्वेंसिंग क्या है, तो आप बताओगे फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकंड एंडोथीशियम, थर्ड वन इज मिडिल लेयर, एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड टैपेटम, क्लियर। अब इनसे फंक्शन भी पूछ सकता है कि एपिडर्मिस और एंडोथीशियम या टैपेटम का फंक्शन क्या है, तो आप क्या बताओगे, एपिडर्मिस आउटर मैम्ब्रेन है, क्या करती है, शेप प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट एंडोथीशियम सेकेंड मैम्ब्रेन, इट इज अ सेकेंड मैम्ब्रेन ऑफ द मैच्योर एंथर, इट हैव अ अल्फा सेल्युलोज एंजाइम, इसमें क्या होते हैं, कुछ अल्फा सेल्युलोज एंजाइम होते हैं, ठीक है, ये अल्फा सेल्युलोज एंजाइम होते हैं जो कि इसकी में क्या करते हैं, एज अ हेल्प करते हैं, इसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं, पेनिट्रेट मतलब इसको आप बोल सकते हो डेहिसेंस करने में हेल्प करते हैं, ब्रेकडाउन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, इसको ब्रेकडाउन करने में हेल्प करते हैं, इसका सेकेंड फंक्शन यहाँ पे ये है। मिडिल लेयर, मिडिल लेयर क्या होगी, मैम्ब्रेन है तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, एंड मेन फंक्शन आपका टैपेटम हो गया जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, यहाँ पे क्या करेगा, टैपेटम का मेन फंक्शन है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। हमने इसमें दो क्वेश्चन देखे, एक तो इसकी सीक्वेंसिंग देखे, एक इसके फंक्शंस देखे, ठीक है, यहाँ से आपका यही क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। अच्छा एक सेकंड, और यहाँ पे आपका ये जो स्पोरोजिनस टिश्यूज है, अंदर पोलन सेक होंगे, देन पोलन ग्रेन्स, जब फुली मैच्योर हो जाएगा, न्यूट्रिशन तो मिल ही रहा है, देन डेहिसेंस हो जाएंगे, ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, यहाँ से इन मैम्ब्रेन से डेहिसेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, वन बाय वन करके ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है आपका, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ओव्यूल में इसमें हमें क्या पढ़ना है, ये फीमेल है आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, किस में पढ़ रहे हैं, फ्लावरिंग में पढ़ रहे हैं, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में आपने जैसे देखा होगा ओव्यूल, ये देखो
इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपने देखा है, ये दिस वन इज कॉल्ड स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, ये हो गया आपका ओवरी एंड ओव्यूल, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहाँ से आपका पुटअप हो सकता है, ओवरी आपका क्या करती है बेटा, फ्रूट का फॉर्मेशन करती है, एंड ओव्यूल आपका क्या करता है, सीड का फॉर्मेशन करता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि सीड का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, ओव्यूल के थ्रू, फ्रूट का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, ओवरी के थ्रू, ठीक है। अब ये जो आप सर्कुलर स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो ना, ओव्यूल इसका स्ट्रक्चर ये है। अब एनसीईआरटी में इसके थोड़ा सा अपोजिट दे रखा है, बट सेम ही है, आपको सिर्फ डिफरेंस क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो हमारा चलाजल एंड है ये, और यहाँ पे ये हमारा माइक्रोपाइल एंड है। तो ये ओव्यूल हमारा किस टाइप का है, एनाट्रोपस ओव्यूल। कैसा है, एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल कौन सा होता है, जो कि हमारा माइक्रोपाइल एंड चलाजल एंड आर अपोजिट टू इच अदर, दोनों ही एंड कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो जो चलाजल एंड होगा उसके पास कौन सी सेल होगी, एंटीपोडल सेल होगी। जो माइक्रोपाइल होगा उसके पास कौन सी सेल होगी, एज अ सिनर्जीड सेल होगी, ठीक है। तो ये आप ऐसे ध्यान रखना, एसी से याद रखना, अगर चलाजल होगा तो ए होगा एसी, एंटीपोडल सेल होगी, और इससे आप याद रखना यहाँ पे एमएस से, ठीक है। एस मतलब सिनर्जीड होगी तो माइक्रोपाइल एंड होगा। आगे यहाँ पे माइक्रोपाइल रीजन, ये वाला रीजन हो गया, ये आपका स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फ्यूनिकल हो गया। फ्यूनिकल जो गया अटैच्ड होगा हाइलम से, ठीक है। ये वाला हाइलम पोर्शन हो गया, फ्यूनिकल हो गया। इस सिनर्जीड के पास क्या होती है, एग प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो ये जो सेंटर में है इसको बोलते हैं, यहाँ पे वन सेंट्रल सेल टू पोलर न्यूक्लिया हो गया, या इसे सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो कंप्लीट हो गया ये एम्ब्रियो सैक हो गया, ये कंप्लीट एम्ब्रियो सैक, और ऊपर वाला ये जो हो गया एंटीपोडल सेल, ये एंटीपोडल सेल हो गई। और इसकी ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, एक आउटर इंटीग्यूमेंट, और एक यहाँ पे ये वाली आउटर हो गई, और ये सेकेंड वाली हो गई इसकी इनर इंटीग्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ से इसका फंक्शन क्या पूछ सकते हैं आपसे, कि एक तो ये भी पूछा जाता है, थोड़ा अगर एडवांस क्वेश्चन बना रहा हूँ, कि जो मैच्योर जब एंथर हो जाते हैं तो वो ओव्यूल के किस साइड से एंट्री करते हैं। वो एंट्री आपके इस रीजन से भी कर सकते हैं, इंटीग्यूमेंट वाले रीजन से, यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं चलाजल एंड से, एंड देन माइक्रोपाइल रीजन से भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तीन पार्ट से इसकी एंट्री होती है, जो कि इसमें आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे कि इस सिनर्जीड सेल के पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस होती है, जो कि गाइड करती हैं कि पोलन ग्रेन्स कहाँ से एंट्री करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंट्री करता है इसको बोलते हैं मीजोगेमी, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये तो वैसे क्वेश्चन आपका नीट में क्वेश्चन पुटअप हुआ था, अभी बताती हूँ कौन सा क्वेश्चन पुटअप हुआ था। देखो इधर, यहाँ से इस पॉइंट को बोलते हैं चलाजोगेमी एंड दिस रीजन इज कॉल्ड पोरोगेमी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अगर सपोज एंथर जो होता है या पोलन ग्रेन जो होता है वो माइक्रोपाइल वाले रीजन से एंट्री करता है तो वो क्या क्या होता है, तो उसको उसमें ऑप्शन था आपका पोरोगेमी, मीजोगेमी, चलाजो। अब मीजो में तो पता है हमें मिडिल वाले पोर्शन से एंट्री करेगा, और मिडिल में क्या होता है आपका मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। चलाजल वाले पोर्शन पे क्या होता है, चलाजल एंड होता है, तो वहां से तो करेगा नहीं। तो ये दोनों ऑप्शंस नहीं हो गए आपके, क्या होगा पीएम से आप याद रखना, पीएम मतलब पोरोगेमी, एम मतलब माइक्रोपाइल, तो माइक्रोपाइल वाले एंड से करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इसमें क्या आता है आपका मेगास्पोरोजेनेसिस। ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस है इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव का इन फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे फॉर्मेशन होता है, ये आपका न्यूसिलस हो गया, और ये मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ पे इसमें आपका डिवीजन होता है, फर्स्ट डिवीजन इसमें आपका मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड देन फिर आपका मियोसिस सेकेंड। तो ये जो आपका इसमें डिवीजन हुआ, जिसने क्या बनाया, एक से दो सेल बनाई एंड दो से चार, आपको यहाँ पे दिख रहा है ये मेगास्पोर डायड है, एंड दिस वन इज कॉल्ड मेगास्पोर टेट्रेड, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन इसमें आती है आपकी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ते हैं इसमें, कि इसमें आउट ऑफ फोर में से देर आर द थ्री डीजनरेट एंड ओनली वन इज फंक्शनल, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मतलब केवल एक आपका इसमें फंक्शनल रहेगा। अब ये देखो एक कैसे डिवीजन करता है, यहाँ पे ये एक आ गई, एक आगे माइटोसिस हुआ, एक से दो बनी, दो के बाद सेकेंड माइटोसिस हुआ, दो से चार बना, चार से फिर आठ बना। इस कंडीशन को आप बोलते हो सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियाई, क्या बोलते हो, सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियाई, ठीक है। तो एट न्यूक्लियाई ये कैसे बनती है, देखो यहाँ पे अभी देख लिया, ये आपके पास ये जो माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल रीजन है, तो ये यहाँ पे सिनर्जीड होंगी और एग। मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से बनाती हूँ, देखो जस्ट
देखो हमने अभी ऊपर चलाजल पढ़ा था, तो ऊपर चला जब चलाजल पढ़ा था तो हमारी यहाँ पे क्या होंगी, एंटीपोडल सेल होंगी। ये वाली हमारी कौन सी होगी, एंटीपोडल सेल, ठीक है। एंड जो जो सेंटर में होती है ना हमारी, इसको बोलते हैं हम वन सेंट्रल सेल एंड टू पोलर न्यूक्लियाई, वन सेंट्रल सेल और टू पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। यहाँ पे जो सेंटर में है ये होता है एग, एंड ये जो कॉर्नर में है दिस वन इज कॉल्ड सिनर्जीड सेल, सिनर्जीड्स सेल्स, ठीक है। अब इसमें आपका ये देखो काउंट करो, यहाँ पे ये आपके यहाँ पे ये एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ, एट तो आपकी बेटा न्यूक्लियाई हो गई, ठीक है। और ये जो सेवन सेल हो गया कैसे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो ये सेवन सेल एट न्यूक्लियाई है, जो कि एक जो आपकी फंक्शनल जो मेगास्पोर मदर सेल थी उसी से सेवन सेल एट न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट है, क्लियर। अब इसमें एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड सेल का फंक्शन क्या होता है, सिनर्जिड का तो अभी हमने देख लिया, यहाँ पे क्या होती है फिंगर लाइक इस तरीके से प्रोजेक्शंस होती हैं विच गाइड टू द एंट्री ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम विच साइड टू द एंट्री ऑफ द पोलन ग्रेन्स, मतलब जो कि पोलन ग्रेन्स जो होती है वो कहाँ से एंट्री करे, ओव्यूल के पार्ट से, ओव्यूल के कौन से पार्ट से एंट्री करे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे सिनर्जिड सेल्स। एग का काम अपना क्या होता है, इसमें हमें पता है हम एंजियोस्पर्म वाला हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं हम एंजियोस्पर्म का पढ़ रहे हैं, और एंजियोस्पर्म में हम पढ़ रहे हैं तो हम किस केस में पढ़ेंगे, हम यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन में। अब डबल फर्टिलाइजेशन हमारा क्या होता है, ये देखो डबल फर्टिलाइजेशन में हमारे यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं। एक बार फर्टिलाइजेशन मतलब जो आपका नॉर्मली क्या होता है, एज अ सिनगैमी होती है, ठीक है। एक आपका यहाँ पे क्या हो गया सिनगैमी, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। तो इस सिनगैमी में आप यहाँ पे क्या बताओगे, ये ट्रिपल फ्यूजन हो गया। सिनगैमी में आपको बताना है कि व्हेन अ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर फ्यूज टू ईच अदर देन दे फॉर्म अ जायगोट, एंड जायगोट कन्वर्ट इनटू अ एम्ब्रियो। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे एक मेल गैमेट हो गया, एक ये अनदर मेल गैमेट, हमेशा मेल गैमेट्स और मेल और फीमेल गैमेट्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड कंडीशन पे होंगे। जब ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जायगोट, जो कि क्या होगा 2n होगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपका क्या होगा, एक अनदर मेल गैमेट, दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ था, तो चार मेल गैमेट थे, जब चार मेल गैमेट बनेंगे उसमें आपका दो डिफ्यूज हो जाएंगे और दो ही आपके फंक्शनल रहेंगे। तो जो एक अनदर मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूज होते हैं, इसके साथ फ्यूज होंगे, ये जो वन सेंट्रल सेल और टू पोलर न्यूक्लियाई है, ये जो 2n है, तो ये क्या बना देंगे दोनों मिलके, 3n बना देंगे। जब 3n बना देंगे तो इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म, क्या बोलते हैं एंडोस्पर्म, क्लियर है ये। और यहां पे ये जो बनेगा ये जायगोट बनेगा, और जायगोट बनने के बाद ये क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, ये एम्ब्रियो बनेगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन में दो स्टेप होती है, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। नेक्स्ट देखें यहां पे, इसमें आपका एक आता है पॉलिनेशंस। अब पॉलिनेशंस आपको क्या बताना है, देखो पॉलिनेशंस में आपको पता है कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, इट्स कॉल्ड अ पॉलिनेशन। इट्स अ टू टाइप्स, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में आपके सेम टाइप के होंगे, मतलब मेल गैमेट्स होंगे, बाइसेक्सुअल होगा, और क्रॉस पॉलिनेशन में आपके यूनिसेक्सुअल होंगे, ठीक है। इसमें आपको ये केस पढ़ना है, एक आती है आपकी ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, सेकेंड वन इज कॉल्ड जेटिनोगैमी, जेटिनोगैमी, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड जीनोगैमी, जीनोगैमी। आपसे इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल पूछ सकता है कि किस किस तरीके से ऑटोगैमी किसमें होता है, जेटिनो एंड जीनोगैमी किसमें होता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही डायग्राम करना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना। ऑटोगैमी में क्या होगा आपका, देखो ये सपोज यहाँ पे ये मेल हो गया और इसमें आपका फीमेल हो गया, ठीक है। और एक केस यहाँ पे आपका ये मेल अलग, और यहाँ पे एक ये फीमेल अलग, यहाँ पे क्या हो गया, एक ये मेल अलग हो गया। तो इसमें अब आप देखोगे यहाँ पे कि ऑटोगैमी में आपका ये जो प्रोसेस है वो तो आपकी ऑटोगैमी के लिए होगी, कि ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट्स किसके फॉर्म में, एज अ पोलन ग्रेन के फॉर्म में, इनटू द फीमेल पार्ट में चला जाएगा, कहाँ पे स्टिक कर जाएगा, स्टिग्मा पे, तो वो आपकी ऑटोगैमी में हो गई। बट यहाँ पे क्या होगा, जेटिनो में आपको ये पॉइंट याद रखना है, डिफरेंट फ्लावर, क्या याद रखना है आपको यहाँ पे, डिफरेंट फ्लावर, ठीक है, कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। ये आपका फ्लावर चेंज हो गया, ये मेल अलग है और ये फीमेल अलग है, तो ये आ गया आपका जेटिनोगैमी में। जीनोगैमी में क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट प्लांट हो जाएगा,
जीनोगैमी में क्या होगा, डिफरेंट प्लांट, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये मेल है, ये वाला इस पे जाके स्टिक कर जाएगा, अगर इसी के स्पीशीज़ का है तो इसको इंसर्ट कर लेगा अंदर, अपने एंट्री करा लेगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारी जीनोगैमी है, ये हमारी फर्स्ट, ये हमारी सेकंड, और ये वाला केस हमारा थर्ड हुआ, ठीक है। अच्छा, इस केस में अब आपको पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे पिक्चर से आपको कैस्मोगैमस फ्लावर है, ये कैस्मोगैमस फ्लावर है, एंड दिस वन इज कॉल्ड क्लेस्टियोगैमस। तो इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे कि क्लेस्टियोगैमस फ्लावर में जो इसके जो सेक्शुअल जो पार्ट्स हैं वो ओपन नहीं है, बट जो कैस्मोगैमस वाले फ्लावर हैं उसमें आपके सेक्शुअली पार्ट क्या है, ओपन है। अगर यहाँ पे कैस्मोगैमस में आप देखते हो कि सेक्शुअली पार्ट ओपन है, तो उसमें जीनोगैमी भी होगी और जेटिनोगैमी भी होगी, दोनों होगी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे जीनोगैमी और जेटिनोगैमी इस वाले केस में होगी, कैस्मोगैमस में। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या होगा, और क्लेस्टियोगैमस में ओनली कौन सी कंडीशन हो सकती है आपकी, ओनली ऑटोगैमस। यहाँ पे क्या होगी, ओनली ऑटोगैमस होगी, क्यों, क्योंकि इसमें जो सेक्सुअल पार्ट है वो ओपन नहीं है, जब ओपन नहीं है तो अनदर स्पीशीज का जो भी पोलन ग्रेन होगा वो आके स्टिक ही नहीं कर पाएगा, जब स्टिक नहीं कर पाएगा तो पॉलिनेशन कॉज नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें सिर्फ मेल और फीमेल का ही, मतलब अपनी ही स्पीशीज प्रेजेंट है, उसी में सिर्फ पॉलिनेशन कॉज होता है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर देखिए, इसमें पूछ सकता है लेबलिंग, पूछ सकता है इससे, एग्जाम्पल पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, ये जायगोट, अभी हमने देख लिया जायगोट बना, जायगोट कैसे बना है, सिनगैमी वाली प्रोसेस से। अब इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है, तो डेवलपमेंट देखते हैं। जायगोट, जायगोट से यहाँ पे डिवीजन हुआ टू सेल्स में, टू सेल्स से यहाँ पे ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, क्या बना, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ये जो आपका ये बनाया हुआ है, दिस वन इज कॉल्ड होस्टेरियल सेल, ये जो होती है ये होस्टेरियल सेल होती है, ट्रियम या ऑस्ट्रियम बोल सकते हैं, ऑस्ट्रियम सेल आगे जाके सेल्स बना देगी, ठीक है। और ये सस्पेंसर सेल, ये जो सारी हो गई सस्पेंसर, देखो यहाँ पे ये सस्पेंसर सेल है, दिस वन इज कॉल्ड होस्टेरियल सेल, एंड दिस इज ग्लोबुलर एम्ब्रियो इज कन्वर्ट इनटू अ हार्ट शेप एम्ब्रियो। अब ये क्या हुआ, हार्ट शेप एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसमें देखिए अब आगे जाके क्या बना, ये रेडिकल बना, एंड दिस वन इज कॉल्ड प्लिम्योन, एंड कॉटिलेडॉन बन गया, ये क्या हो गया आपका, कॉटिलेडॉन। और ये जाके क्या बना आपका, मैच्योर एम्ब्रियो। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि एक आता है आपका प्लिम्यूल और एक बेटा आता है आपका यहाँ पे रेडिकल, ठीक है। प्लिम्यूल गिव राइज टू अ शूट, प्रिम्यूल क्या देता है, शूट देता है, शूट को फॉर्म करता है, एंड रेडिकल गिव राइज टू अ रूट, रेडिकल क्या देती है, एज अ रूट। तो आर से आर आप याद रखना, रेडिकल रूट देगी और प्लिम्यूल शूट देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है आपका, डायकॉट एम्ब्रियो एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो डायकॉट एम्ब्रियो में प्लिम्यूल, प्लिम्यूल अभी हमने पढ़ा शूट को फॉर्म करती है, एंड कॉटिलेडॉन्स, तो इसकी पूरी कॉटिलेडॉन्स जो कोटिंग हो गई, कवरिंग हो गई ऑफ द स्टेम की, एंड हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल एंड इपिकोटाइल की मैम्ब्रेन होती है, एंड इपिकोटाइल की आउटर मैम्ब्रेन होती है, हाइपोकोटाइल की इनर मैम्ब्रेन होती है, ठीक है। एंड ये रेडिकल हो गया, रेडिकल क्या देगा, रूट देगा यहाँ पे, और इसकी ये रूट जो होगी वो रूट कैप के थ्रू कवर्ड होगी। ये आपका डायकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर हो गया। इंपॉर्टेंट में यहाँ पे हमारी ये चीज़ है कि आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दे देगा मोनोकॉट का, और आपसे ये भी पूछ सकता है ये स्ट्रक्चर किसका है, तो आपको बताना है ये स्ट्रक्चर किसका है, आपका ग्रास का स्ट्रक्चर है। साथ साथ एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये पुटअप भी हो सकता है कि ये जो आपको इसमें आउटर वाला ये वाला रीजन दिख रहा है ना, दिस वन इज कॉल्ड स्क्यूटिलम। ये क्या है हमारा, स्क्यूटिलम है, इसको आप क्या बोलोगे, जैसा कॉटिलेडॉन, यहाँ पे कॉटिलेडॉन प्रोनाउंस नहीं होता, उसी को क्या बोलते हैं, स्क्यूटिलम, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है, आपको ये बात और ध्यान रखना कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा डायकॉट में ये प्लिम्यूल हो गया और दिस वन इज कॉल्ड रेडिकल, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे इसको मोनोकॉट के केस में, कि कॉलियोप्टाइल, क्या बोलोगे आप, कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजा, बस थोड़ा सा चेंज है आपको वो देखना है। कॉलियोप्टाइल, टाइल मतलब प्लिम्यूल गिव राइज टू अ शूट, सेम है शूट को फॉर्म करेगा कॉलियोप्टाइल, और ये कॉलियोराइजा है तो ये क्या देगा आपका, रूट को फॉर्म करेगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है आपका, फॉल्स फ्रूट्स एंड ट्रू फ्रूट्स। अब आपको यहाँ से एग्जाम्पल पूछ लेगा इसमें, अभी तक आपको नॉर्मल आपको पता है कि हमने फ्रूट्स खाए हैं, ठीक है, तो वो बट आपको ये नहीं पता उन फ्रूट्स का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, कि वो फ्रूट्स कहाँ कहाँ से बनते हैं, तो आप इसमें यहाँ पे पढ़ोगे, उसमें आप इसमें डिफ्रेंशिएट भी करोगे कि अच्छा इस फ्रूट्स को ये बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स और इसको फॉल्स फ्रूट्स बोलते हैं। तो देखो इसका डिफरेंस, फॉल्स फ्रूट्स और ट्रू फ्रूट्स में क्या आता है, कि फॉल्स फ्रूट्स में आपकी डेफिनेशन, कि फॉल्स फ्रूट्स अराइज फ्रॉम फ्लोरल पार्ट्स अदर देन ओवरी, ओवरी से मतलब ओवरी से के कंपैरिजन में अदर जो हमारे फ्लोरल पार्ट्स होते हैं उनसे फॉर्मेशन होना, वो हमारे क्या होता है, फॉल्स फ्रूट होता है। ट्रू फ्रूट्स आर अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन वेयर द फर्टिलाइज्ड ओवरी वॉल बिकम्स द फ्लेशी फ्रूट्स। जो ट्रू फ्रूट्स जो होते हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं, फर्टिलाइजेशन से, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होता है, जो फर्टिलाइज्ड ओवरी वॉल होती है उससे फॉर्मेशन होता है, किसका, ट्रू फ्रूट का। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व नहीं करती फॉल्स में, जबकि ट्रू फ्रूट्स में इन्वॉल्व करती है।
पार्ट्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मिंग फ्रूट्स, कौन कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स के लिए, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा और सेम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल पूछ लेगा कि आप एग्जाम्पल बताइए ट्रू फ्रूट्स के एंड फॉल्स फ्रूट के, ठीक है। फ्लोरल पार्ट्स सच एज थैलमस, पेडिंकल्स हो गया, पेरियंथ हो गया, पार्ट्स अदर देन ओवरी, वो फॉल्स फ्रूट आता है। फर्टिलाइज्ड ओवरी आगे जो आपकी ट्रू फ्रूट्स हो गया। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल एप्पल, पियर, जैक फ्रूट, पाइनएप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉल्स फ्रूट, क्लियर। एंड मैंगो, कीवी, वाटरमेलन, चेरी, ये आपका क्या हो गया ट्रू फ्रूट हो गया। तो इसमें आप देख रहे हो ट्रू फ्रूट आपके यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है जो कि आपका मैंगो को शो किया हुआ है एंड फॉल्स फ्रूट में आपको एप्पल का, सेम एज एनसीईआरटी में भी यही है, आपका एप्पल और एनसीईआरटी में एज अ स्ट्रॉबेरी दिया हुआ है ना फॉल्स फ्रूट में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आता है आपका इसमें एल्बुमिनस सीड एंड नॉन एल्बुमिनस सीड। अब एल्बुमिनस सीड और नॉन एल्बुमिनस सीड में यहाँ से आपके जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या फिर आपके एसेशन रीजन क्वेश्चन होते हैं वो आपके इसमें क्वेश्चन दे सकते हैं यहाँ से। कैसे कि एंडोस्पर्म इज नॉट कम्प्लीटली यूज बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म जो होता है उसमें कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होता जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, सो अ पोर्शन ऑफ इट रिमेन्स इन द सीड, मतलब जो हमारी सीड में कुछ पोर्शन एंडोस्पर्म का रिमेन रह जाता है वो हमारी क्या होती है एल्बुमिनस सीड। एज एग्जाम्पल कोकोनट, कैस्टर एंड मेज, इंपॉर्टेंट है आपसे एग्जाम्पल डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा यहाँ से या फिर यहाँ से आपका सेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन या स्टडी के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नॉन एल्बुमिनस में क्या होगा, एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली यूज बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर द मैच्योरेशन ऑफ सीड, जब सीड मैच्योर होती है उससे पहले ही आपका क्या होता है एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है, आप इसको ऐसे ध्यान रखना। नॉन एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस का मतलब एंडोस्पर्म का बचना नहीं, नॉन मतलब नहीं, एंडोस्पर्म बचा ही नहीं है, कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया है, ठीक है। तो नो एंडोस्पर्म लेफ्ट, कोई एंडोस्पर्म लेफ्ट नहीं हुआ सीड में। एग्जाम्पल पी, बीन्स एंड मस्टर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको एज इट इज एग्जाम्पल याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में अच्छा ये अब हमारे यहाँ पे सेकंड चैप्टर आ गया, फर्स्ट चैप्टर में अभी इतना जितना था जितना मैंने कराया इट्स अ सफिशियंट, ठीक है। सेकंड चैप्टर आता है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शंस पे, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस इसमें हमारा क्या आएगा मेल रिप्रोडक्शन आता है, फीमेल रिप्रोडक्शंस आता है। अब इसमें आपका आपने वो पढ़ा हुआ है स्पर्म के स्ट्रक्चर्स पढ़ा हुआ है, इसमें आपने ओवरी के स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी हुई है, तो वो सारी चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें हमारे कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। सबसे पहले उसमें आपको डायग्राम आना चाहिए, डायग्राम से मत बचना, हो सकता है आपको उसमें डायरेक्ट डायग्राम दे दे और उसकी लेबलिंग आपसे पूछ ले, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं सोचते हैं हम डायग्राम करके क्या करेंगे, अब डायग्राम करना आपको पड़ेगा, इट्स योर कंपल्शन, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसमें आपका क्या आता है, फर्स्ट आपसे पूछ लेगा इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के एग्जाम्पल आपसे पूछ लेगा एंड एसेसरी सेक्स ऑर्गन जिसमें आपके कुछ ग्लैंड्स वगैरह भी इसमें आते हैं आपकी, ठीक है। एसेसरी सेक्स ऑर्गन ये आपके इसमें यहाँ पे ग्लैंड भी आ जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या होता है इन केस ऑफ मेल और इन केस ऑफ फीमेल, इन केस ऑफ मेल में अगर हम देखते हैं तो वो हमारा टेस्टीज है, ठीक है, और इन केस ऑफ फीमेल में अगर हम देखते हैं तो हमारा क्या है ओवरी। टेस्टिस इज प्रोड्यूस अ स्पर्म वेयर एज ओवरी इज प्रोड्यूस अ ओवम और एग, ठीक है। तो इट्स अ प्रोड्यूस ऑफ गैमेट्स, इट्स कॉल्ड अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो भी गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं वो प्राइमरी सेक्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है, ये आपके क्या होते हैं सब पैसेज करते हैं, मतलब होते तो आपके ऑर्गन ही है, जैसे आपने पढ़ा है वास डिफरेंस पढ़ा है, इजेक्युलेटरी डिस्क पढ़ा है आपने इसमें, और एपिडाइडमिस पढ़ा है, यूरेथ्रा पढ़ा है, और ये तो किसके केस में हो गया मेल के केस में। फीमेल के केस में आपने फेलोपियन ट्यूब पढ़ी है, इनफंडिबुलम इन और इस्थमस एम्पिला, ये सारे रीजन, और आपका यूट्रस वाले वो सारा पोर्शन, तो वो आपका पार्ट क्या हो गया और सर्विकल सर्विक्स हो गई, ठीक है, सर्विकल कैनाल हो गई, वजाइनल पोर्शन हो गया, ये सब क्या करते हैं उसको हेल्प करते हैं एज अ स्पर्म को पास आउट करने के लिए साथ साथ ओवम को उधर लाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है सेकेंडरी सेक्शुअल ऑर्गन। एसेसरी सेक्स ऑर्गन में आपने क्या पढ़ना है, इसमें कुछ ग्लैंड्स आते हैं, अब इसमें जो ग्लैंड्स आते हैं देखो इसमें हमारे तीन ग्लैंड्स आते हैं मेल के अंदर, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, एक सेकेंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। अब आपसे यहाँ से ये तो मेल का हो गया, यहाँ से इसके फंक्शंस पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है, मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, ठीक है, और कुछ एक्सटर्नल जेनाइटल्स होते हैं, मेल में अलग होते हैं फीमेल में अलग होते हैं, तो वो कुछ वो आपको तो देखना है। देखो इसमें यहाँ पे
इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमारा ये टेस्टिस हो गया। अब ये जो टेस्टिस जो होती है वो कहाँ पे होती है, एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, आउटसाइड, एब्डोमेन के आउटसाइड वाले रीजन में प्रेजेंट होती है। आउटसाइड में क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो एज अ नॉर्मल जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। बट इतना टेम्परेचर जो होता है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए अच्छा नहीं है, तो उसमें कितना होगा, इसके बिलो होना चाहिए। कितना बिलो होना चाहिए, 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होना चाहिए, 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तभी स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छे से हो पाता है, ठीक है। तो जो स्क्रॉटम होता है वो उसमें कुछ मसल्स होती हैं जो कि इसको मेंटेन करती हैं, इसके बॉडी के टेम्परेचर्स को, मतलब बॉडी से थोड़ा सा टेम्परेचर बिलो रखती हैं, तो वो इसमें हेल्प करती हैं, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देती हैं। तो ये हमारा स्क्रॉटम हो गया, टेस्टीज। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो ये पैसेज, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे देखो ये सर्कल ऐसे बना होता है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कुछ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स लगी होती है, 2-3 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। यहाँ पे 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं ऑफ द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के। यहाँ पे इस तरीके से रेटिटी टेस्टीज होती है, यहाँ पे इस तरीके से इपिडाइडमिस होता है, वास इफरेंस होता है, देन ये वास डिफरेंस होता है ऐसे करके। ये जो आपको ये दिख रहा है ये वाला ये पोर्शन क्या है, वास डिफरेंस, ठीक है। ये वास डिफरेंस हो गया, ये वास डिफरेंस ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से अटैच्ड होता है। एंड कहाँ से कहाँ पे जाके अटैच हो जाता है, एज अ सेमिनल वेसिकल से, ठीक है। ये जो आपको सेमिनल वेसिकल एज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये सेमिनल वेसिकल्स क्या हो गया, एज अ ग्लैंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये जो आपको ये रेड कलर का ये शो है, दिस वन इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे इसको मैं ब्लू से बना देती हूँ, देखो ये आपका क्या हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ठीक है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो गया, और इसके पास में यहाँ पे ये वाला जो मैंने बनाया, दिस इज कॉल्ड द बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड्स। तो ये इसके तीनों ग्लैंड्स हो गए, आपको ग्लैंड्स पता होने चाहिए, मैं अभी इसके यहाँ पे आपको फंक्शंस बताऊंगी, ठीक है। एंड ये आपका ये वाला पैसेज आपका यूरेथ्रा हो गया, जहाँ से यूरिन का पास आउट होता है, साथ साथ स्पर्म का भी पास आउट यहीं से होता है, एक ही पैसेज होता है मेल के अंदर। और यहाँ पे ये मस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ द पेनिस, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ मस्कुलर से बनी होती है। एंड दिस वन इज कॉल्ड द ग्लांस पेनिस। ये जो इसका पेनिस का जो लास्ट पोर्शन होता है उसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं, उसको फॉरस्किन और प्रिप्यूस ही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो अटैच होती है वो इजैकुलेटरी डक्ट, ये वाला पोर्शन इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, ठीक है। ये है, ये यूरेटर है, ये क्या है आपका, यूरेटर, जो कि किडनी से जाके आगे अटैच होगा, ठीक है। ये वास डिफरेंस देख लिया, यूरिनरी ब्लैडर देखा, ये वाला यूरिनरी ब्लैडर हो गया ये, ठीक है। ये वाला पैसेज यूरेथ्रा हो गया, ये पूरी पेनिस हो गई, फॉरस्किन और ग्लांस पेनिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन आपसे जो पुटअप हो सकता है वो हो सकता है कि सेमिनल वेसिकल्स क्या करता है, जो सेमिनल वेसिकल्स का काम होता है इसमें आपका सीमेन प्रोड्यूस करेगा उसको, ठीक है। साथ साथ उसको क्या देता है, इसमें कुछ प्रोस्टेट ग्लैंडिंस हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, और कुछ आपके क्लॉटिंग प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, क्लॉटिंग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्लड को कॉलेट करने के काम करते हैं। नेक्स्ट प्रोस्टेट ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स आपका फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है, कैल्शियमायन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड्स में, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड्स में आपको बताना है इसमें यहाँ पे इसमें क्या होता है, ये ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, एज अ ल्यूब्रिकेशन में, ठीक है, ल्यूब्रिकेशन में इसको हेल्प करता है, क्लियर है। नेक्स्ट इसमें आप देखते हैं इसमें क्या आता है आपका, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आपके सर्टोली सेल्स आपसे पूछ सकते हैं, और इंटेस्टिनल सेल्स, इसकी लोकेशन पूछ सकते हैं, उसका फंक्शन डायरेक्टली पूछ लेंगे कि सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होता है, इट्स प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है, क्लियर। इंटेस्टिनल सेल में क्या होता है, इसमें एंड्रोजन प्रोटीन्स होते हैं जो एंड्रोजन को बाइंड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्पर्मेटोगोनिया एंड स्पर्मेटोजोआ, ये वर्ड आप अभी जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे उसमें आप देखोगे, स्पर्मेटोगोनिया जहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है उस सेल को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो कि बेटा आपको बाहर मिलेगी, इसकी लोकेशन पूछ लेते हैं बाहर में, ठीक है। जबकि जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं ये देखो ऐसे करके स्पर्म जो होते हैं आप इसको स्पर्म ही बोल सकते हो, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ को, वो इनसाइड वाले रीजन रिप्रेजेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं फ्रॉम द सर्टोली सेल से, ठीक है। तो ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट देखिए ये स्ट्रक्चर आपका किसका है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ये फोर्थ के रीजन होते हैं। फर्स्ट रीजन इज कॉल्ड हेड, ये हेड पोर्शन हो गया, दिस वन इज कॉल्ड नेक, एंड दिस वन इज मिडिल पीस, एंड दिस वन इज लास्ट इज कॉल्ड टेल। यहाँ पे जो इसका हेड होता है, हेड कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पे इसमें आपको पॉइंट याद रखना है कि जो इसका हेड होता है वो हेड वाले रीजन में इसका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है एज अ न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ पे इसका ये जो हेड वाला है ना, आपको हेड का पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जो है ये थोड़ा सा पॉइंटेड है, पॉइंटेड क्यों है, इसमें कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि ओवम की मैम्ब्रेन, कोरोना रेडिएट एंड जोना पेलोसिडा में एंट्री करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये हमारा एक्रोसोम होता है जो कि पेनिट्रेट करने, इजीली पेनिट्रेट कर देता है उसकी मैम्ब्रेन में, ठीक है। एंड मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसको एज अ एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये इसकी लास्ट टेल होती है। एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पे जैसे सपोज हमारा इस तरीके से स्ट्रक्चर हो गया ये ओवम का, या इसका न्यूक्लियस हो गया,
ठीक है, बाहर वाली इसकी मेम्ब्रेन जोना पहले सीधा हो गई और यहाँ पे इस तरीके से ये इसके कोरोना रेडिएटा हो गए। तो जब ये एंट्री करता है ना इसके अंदर, ये रहा, जब यहाँ पे इसके अंदर ऐसे एंट्री करेगा तो इसका सिर्फ आपका कौन सा पीस जाएगा यहाँ पे, हेड वाला रीजन, मिडिल वाला रीजन जाएगा और नेक वाला, नेक मिडिल हो गया ठीक है। बट यहाँ पे जो टेल वाला होगा ना वो बाहर ही रह जाता है, टेल वाला जो रीजन होता है वो अंदर एंट्री नहीं करता, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है इसमें आपका, ये फीमेल का आ गया। फीमेल के स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, ये ओवरी, ओवरी प्रेजेंट होती है, ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस अ ओवा, ओवा और एग प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब क्या, इट इज अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। इसमें क्या आती है, फिम्ब्रियाई, फिम्ब्रियाई क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि कैरी करती है ऑफ द ओवम को, क्लियर। क्योंकि ओवम हमारा कैसा है, नॉन मोटाइल नेचर का, तो वो जा ही नहीं सकता, तो फिम्ब्रियाई उसे कैच कर लेती है। इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस, ये तीन रीजन होते हैं। एक क्वेश्चन आपका ऐसे पूछते हैं कि एम्पुला, यहाँ से पूछ सकते हैं कि वेयर इज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन आपका कहाँ पे टेक पार्ट करता है, तो आप बताओगे उसको एम्पुलरी रीजन में। अगर सपोज आपको एम्पुलरी रीजन या एम्पुला आपको ऑप्शन में नहीं दिया, तो आपको ऑप्शन में हो सकता है ये दे दे कि एट द जंक्शन बिटवीन इस्थमस एंड एम्पुला, क्लियर, तो आप उस पर टेक करोगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे आप, यहाँ पे आ गया आपका यूट्राइन, ये यूट्रस वाला पार्ट हो गया, यूट्राइन फंडस एंड दिस वन इज कॉल्ड यूट्राइन कैविटी, मतलब उसकी मेम्ब्रेन, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, तो उसकी तीन मेम्ब्रेन होती है, पेरी, पेरी से आप याद रखना पेरीफेरल पर होगी, मायो से आप याद रखना मिडिल पर होगी, एंडो से आप याद रखना अंदर होगी, इनर होगी ठीक है। तो उसके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। पेरीमेट्रियम का अगर फंक्शन पूछता है तो आपको बताओगे इट्स प्रोवाइड द शेप ऑफ द यूट्रस, यूट्रस को शेप देती है। यूट्रस की शेप कैसी होती है, इन्वर्टेड पियर शेप होती है, जैसे जो नाशपाती होती है ना उसकी उल्टी शेप होती है ठीक है। नेक्स्ट पेरीमेट्रियम हो गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम कैसी होती है, मायोमेट्रियम हैव द सम रिसेप्टर्स, इसमें कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब इसमें रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे ना तो ये क्या करता है, इट्स हेल्पिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्टाइल करने में हेल्प करता है ठीक है। एंडोमेट्रियम में क्या होता है, एंडोमेट्रियम के आपके दो फंक्शन होते हैं। यहाँ पे सपोज एक केस तो होता है अगर फर्टिलाइजेशन कॉज हो जाता है तब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं होगा तब क्या होगा। अगर यहाँ पे सपोज हम फर्स्ट केस में मानते हैं कि फर्टिलाइजेशन कॉज हो जाता है, आपको सिर्फ मेरी बातें यहाँ पे ध्यान से सुननी है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से सुन लोगे तो इसमें मोस्ट ऑफ आप क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट कर जाओगे ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपकी सिर्फ लेबलिंग है, नेमिंग है, तो इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पुटअप होते हैं। तो देखो फर्टिलाइजेशन सपोज अगर कॉज हो गया, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो बेटा ये जो होती है ना एम्बेडेड हो जाएगी ऑफ द यूट्राइन कैविटी के साथ एंड फॉर्म अ इम्प्लांटेशन, और क्या कर देगी, ये इम्प्लांटेशन करने में हेल्प कर देगी। जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो उसे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा मतलब जब फीटस जो है वो क्या करेगा, वो ग्रो करना शुरू करेगा, उससे उस प्लेजेंटा से सारा उसको क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन ही तो मिल रहा है ठीक है। तो ये सारा काम क्या हुआ इसका, एंडोमेट्रियम का काम हुआ जब फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो गया, कॉज्ड हो गया। सपोज इट कांट फर्टिलाइजेशन कॉज्ड, अगर फर्टिलाइजेशन कॉज्ड नहीं हुआ तब क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ दिस मेम्ब्रेन, ये जो एंडोमेट्रियम है ना इस मैम्ब्रेन, ये क्या होगा, एंडोमेट्रियम की मैम्ब्रेन ब्रेकडाउन हो जाएगी ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के फॉर्म में एंड देन कॉज अ मेंस्ट्रुअल पीरियड और मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक एंडोमेट्रियम का एक अदर फंक्शन हो गया। तो हमने इसके दो फंक्शन देखे ठीक है, ये सर्विकल कैनाल हो गया, दिस इज कॉल्ड द सर्विक्स एंड दिस इज कॉल्ड द सर्विकल कैनाल एंड दिस वन इज कॉल्ड वजाइना। जब सर्विक्स और वजाइना आपस में अटैच्ड हो जाते हैं इस पोर्शन को बोलते हैं बर्थ कैनाल, यहाँ से बेबी का एक्सपेल आउट होता है ठीक है, बर्थ कैनाल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है आपका, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ये भी आपका एज इट इज आपसे पूछ लेगा, यहाँ पे लेबलिंग पूछ लेगा, हॉर्मोन्स पूछ सकता है यहाँ पे। तो देखो ये इसका लिगामेंट्स हो गया ठीक है, ये वाला लिगामेंट्स पोर्शन हो गया, ये प्रिमोडियल फॉलिकल्स हो गई, प्राइमरी फॉलिकल्स और थीका सेल्स हो गई, इसके बाद आपका सेकेंडरी, देखो ऐसे मैं सिंपल बना देती हूँ, पहले प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्सरी एंड देन ग्राफियन, इस तरीके से फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉलिकल का जब फॉर्मेशन होगा ना तो मतलब वहाँ पे FSH ज़्यादा होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ठीक है। ये एंट्रम, एंट्रम आपको याद रखना है, एंट्रम आपसे पूछ सकता है कि मतलब जो फॉलिकल जब बन रही है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जब बन रही है तो उसको न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, तो आपको बताना है एंट्रम, एंट्रम उसे क्या करेगा, फुली फॉर्म में नरिश कर देगा ठीक है। एंट्रेंस फॉर ब्लड वेसल्स, यहाँ से ब्लड वेसल्स की एंटर हो जाती है, फॉलिकुलर फ्लूड, मैच्योर ओवम, इस मैच्योर ओवम को आप यहाँ पे बोल सकते हो सेकेंडरी ऊसाइट, क्या बोल सकते हो, सेकेंडरी ऊसाइट ठीक है।
मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स हो गया, ओवेरियन स्ट्रोमा, जोना पैलेसिडा, जोना पैलेसिडा इसकी मैम्ब्रेन हो गई और इसकी जो सेल्स होंगी वो कोरोना रेडिएटा के फॉर्म में होंगी, ठीक है। वेन्स और आर्टरीज हो गई, ये आपकी डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम, स्पेस फिल्ड ब्लड वेसल्स, कॉर्पस ल्यूटियम। अब यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है, नीचे जो होगा ना इस पोर्शन पे यहाँ पे क्या होगा, LH होगा, LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा था, यहाँ पे क्या है LH ज़्यादा है। अगर यहाँ पे सपोज फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं हुआ, ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, देन धीरे धीरे आके यहाँ पे LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा, देन उसको डिग्रेड करता हुआ जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस, देन ब्रेकडाउंस ऑफ द एंडोमेट्रियम इन द फॉर्म ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट मंथ क्या होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा पूरा किसका था, स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे, इससे क्वेश्चन फटाप हो सकता है। अभी तो हमने मेल में देखे थे जो कि तीन ग्लैंड थे, बल्बो यूरेथर ग्लैंड था जो कि कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं उसे, समन वेसिकल्स पढ़ा हमने और एक हमने पढ़ा प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। इसमें अब हम जो पढ़ेंगे वो हमारा मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मदर होती हैं, मदर में जो पिट्यूटरी हार्मोन्स होता है वहाँ से प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होता है। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन जब सीक्रेट होता है ना तो वो मिल्क का सीक्रेशन करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो तभी मदर अपने जो बेबी होता है उसको फीडिंग कराती है, ठीक है। अब इसमें जो एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ये हो सकता है कि जो मैमरी ग्लैंड्स होती है वो किस मसल से हमारी अटैच्ड होती है, तो आपको बताना है पेक्टोरेलिस मेजर मसल से अटैच्ड होती है, एक क्वेश्चन तो यहाँ पे आता है, ठीक है। इसके बाद रिब्स मसल्स का आपको पता ही है, एक क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हो सकता है कि जो फिट में साइज ऑफ द जो ब्रेस्ट का जो साइज होता है डिटरमाइन करता है इसमें कि हमारी बॉडी में कितना टाइप्स ऑफ एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट्स है, ठीक है, कहाँ पे, ब्रेस्ट वाले पोर्शन पे। तो वो क्या करता है, वो डिटरमाइन करता है साइज ऑफ द ब्रेस्ट पे, कौन डिटरमाइन करेगा, इज एडिपोज टिश्यू। एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है कि इसमें कौन से टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो आपको बताना है इसमें एडिपोज टिश्यूज होते हैं एंड एरियोरल टिश्यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये पोर्शन आपका निपल वाला हो गया, एंड मैमरी लूप्स, मैमरी एल्वियोलस, मैमरी डक्ट्स एंड एम्पुला एंड लैक्टिफेरस डक्ट। यहाँ पे इसमें यहाँ पे यही आ सकता है कि इसमें कितने लोब्यूल्स होते हैं, तो 10-15 लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन इसमें ये भी पुटअप हो सकता है कि फर्स्ट मिल्क, आपका जो फर्स्ट मिल्क होता है वो क्या होता है, एज अ क्लोस्ट्रम, क्या होता है उसको बोलते हैं क्लोस्ट्रम, ठीक है। बोलते हैं ना कि मदर का मिल्क बहुत असेंशियल होता है फर्स्ट 1-3 डेज के लिए। क्यों असेंशियल होता है, इसलिए असेंशियल होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी क्या होती है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं विच फाइट द अगेंस्ट द एंटीजेंस, जो कि एंटीजेंस के अगेंस्ट फाइट करती हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है आपका, यह आता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। पहले इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं, देन फिर हम उसको डायग्राम के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस में इसकी लोकेशन अकर्स एंटायरली इन अ टेस्टिस, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी टेस्टिस के हर पोर्शंस में होगी यहाँ पे, ठीक है। इसकी क्या होगी, अकर्स मोस्टली इन अ ओवरी में। नेक्स्ट मियोटिक डिवीजन, इक्वल डिवीजन ऑफ द सेल, सेल में इक्वली डिवाइड होंगी ये अनइक्वल डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीजन होता है। जर्म लाइन एपिथीलियम, एपिथीलियम की जो जर्म्स लाइन होती है इज इन्वॉल्व इन द गैमेट प्रोडक्शन, वो गैमेट के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, इज इन्वॉल्व इन द गैमेट प्रोडक्शन इज नॉट, जो ओजेनेसिस है ओवम है वो जर्म्स लाइन उसमें हेल्प नहीं करते, क्लियर। गैमेट्स नंबर देखते हैं कितने नंबर में प्रोड्यूस होती हैं, तो स्पर्म आपके 4 नंबर से प्रोड्यूस होंगे, जबकि आपके जो ओवम होता है वो केवल 1 होता है, जिसमें 2-3 आपकी होती तो 4 है लेकिन 1 फंक्शनल होता है, बाकी 2-3 कैसे होते हैं, पोलर बॉडीज होती हैं, ठीक है। साइज ऑफ गैमेट, साइज ऑफ गैमेट्स कैसा होता है, स्पर्म स्मॉलर देन स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्म जो होते हैं स्मॉलर होते हैं स्पर्मेटोसाइट से, जो आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं उससे क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओवा लार्जर होता है देन ओसाइट से, जो प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट्स होते हैं जब वो फुली मैच्योर हो जाता है तो ओवा क्या होता है, लार्ज हो जाता है, ठीक है। टाइमिंग देखते हैं इसका, ड्यूरेशन अनइंटरप्टेड प्रोसेस, ये अनइंटरप्टेड प्रोसेस होती है, इट अरेस्टेड स्टेज, ये स्टेज अरेस्टेड स्टेज है। अरेस्टेड स्टेज का मीनिंग हो गया कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो एट द प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, फॉर्मेशन जो स्पर्म का होता है वो प्यूबर्टी पे होता है, बट जो ओवा का फॉर्मेशन होता है वो मदर की बॉडी में जो प्रीनेटल कंडीशन होती है ना, प्रीनेटल मतलब जब फीटस जब डेवलप्ड होता है, जब डिटरमाइन हो जाता है कि हाँ ये बेबी या ये फीटस फीमेल है, ठीक है। तो वहीं से आप बोल सकते हो कि ऊगोनिया से लेके क्या होता है, प्राइमरी ऊ साइड तक डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, प्राइमरी ऊ साइड तक, और फिर वहाँ पे जाके अरेस्ट हो जाती है, मतलब कंडीशन रुक जाती है। उसके बाद आप देखते हो यहाँ पे एट अ प्यूबर्टी पे प्राइमरी ऊ साइड से लेके जब सेकेंडरी ऊ साइड और फुली जब आपका ओवम एज अ एग बन जाता है तो वो क्या होता है, एज अ प्यूबर्टी पे होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन तब स्टेप बाय स्टेप में होती है। ये क्या आता है आपका यहाँ पे, ऑनसेट बीइंग एट प्यूबर्टी,
यहाँ पे बिगिंस इन अ फीटस प्रीनेटल, मैंने अभी बताया आपको कि वो ऊजेनेसिस आपके प्रीनेटल में स्टार्ट हो जाती है, जबकि ये कब स्टार्ट होती है, एज एट अ प्यूबर्टी पे, ठीक है। रिलीज, ये कॉन्टिन्यूस रिलीज होते हैं मंथली फ्रॉम द प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी से मंथली फॉर्म में जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, फिर मंथ में वन बाय वन करके रिलीज हो रहा स्टार्ट होता है। एंडिंग, इसकी एंड कब होती है, लाइफ लॉन्ग बट रिड्यूस विद एज। स्पर्म जो होते हैं वो लाइफ लॉन्ग आपके रिलीज होते हैं बट एज के साथ रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन इन केस ऑफ ओवा में टर्मिनेट विद अ मेनोपॉज, मेनोपॉज जब आती है उसके बाद वो एंड हो जाते हैं। मेनोपॉज क्या है, यहाँ पे एंडिंग आती है, एंडिंग टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एट अ एज ऑफ आप 45-50 यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। इट्स डिपेंड्स ऑन लेडी टू लेडी, पर्सन टू पर्सन, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि स्पर्म मेटोजेनेसिस एंड ऊजेनेसिस में आपका क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे इसमें क्या क्वेश्चन पुटअप होता है आपका कि स्पर्म मेटोजेनेसिस हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड, आप क्या बताओगे इसमें, ये हमारा कैसा है, डिप्लॉइड है। प्राइमरी ऊसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड सेम प्राइमरी ऊसाइट, तो यहाँ पे उगोनिया हो गया, ये हमारा क्या होते हैं, दोनों ही कैसे हैं, डिप्लॉइड है। यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होगा, प्राइमरी ऊसाइट से और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होगा, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन अकर्ड होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, दोनों को साथ साथ लेकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो सेकेंड मियोसिस होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, स्पर्मेटेड फॉर्म होगा, देन स्पर्मेटेड से स्पर्म फॉर्म होंगे, ठीक है। तो स्पर्म हमारे कैसे होंगे, एज हैप्लॉइड होंगे, तो सेम एज यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस हो गया, फर्स्ट मियोसिस के बाद सेकेंडरी, मतलब फर्स्ट मियोसिस कब हुआ था, प्राइमरी ऊसाइट में हुआ था, प्राइमरी ऊसाइट के बाद सेकेंडरी ऊसाइट बना फर्स्ट मियोसिस से और पोलर बॉडी बनी। अब एक एंड से फिर एक यहाँ पे सेकेंड मियोसिस हुआ जिसमें 2 to 3 पोलर बॉडी बनेगी एंड देन एक सिंगल आपका ओवम बनेगा जो कि फ्यूज हो जाएगा विद स्पर्म के साथ, देन फॉर्म अ जायगोट, क्लियर। तो यहाँ से आपके दो टाइप के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, एक तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का केस पूछ सकता है कि स्पर्मेटोसाइट या ऊसाइट आपका या ऊगोनिया या स्पर्मेटोगोनिया हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, या फिर एक केस आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन या फर्स्ट मियोसिस और सेकंड मियोसिस कहाँ पे अकर्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आगे हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपका क्या क्वेश्चन पुटअप होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसमें आपके, ये तो आपको पता है कि डेज हो गए 1 to 29 रिपीटेड होते हैं, मेनार्क और मेनोपॉज, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। मेनार्क स्टार्टिंग स्टेज होती है, मेनोपॉज एंडिंग स्टेज होती है ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अब मेंस्ट्रुएशन देखते हैं, इसका फॉलिकुलर फेज मींस प्रोलीफरेटिव फेज, इसको हम प्रोलीफरेटिव फेज ही बोलते हैं, इसको आप बोलते हो FSH, FSH मींस यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, यहाँ पे ये अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। ल्यूटियल फेज मींस यहाँ पे LH हो गया, यहाँ पे FSH ज़्यादा होगा, यहाँ पे LH ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट साइकिल बिगेन हो जाएगी, तो इसमें आप देखो ओवेरियन हार्मोन, यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन का लेवल है और पिट्यूटरी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको डायरेक्टली आपको ये वाला पार्ट उठा देगा, यहाँ से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पुटअप होगा, ए बी आपको लेबलिंग करके दे देंगे कि आपको बताना है कि यहाँ पे किसका लेवल हाई है, प्रोगेस्टेरोन का या एस्ट्रोजन का, LH का या फिर FSH का, ठीक है। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो आपका हाई रहेगा FSH जब फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी देन टर्सरी एंड ओवुलेशन। ओवुलेशन एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पुटअप हो सकता है कि ओवुलेशन आपका किस टाइम पे अकार्ड होता है, एज अ ड्यूरिंग द 14 डेज पे, ठीक है, जहाँ पे प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देन धीरे धीरे फिर यहाँ पे आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है बेटा वो डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देता है, यहाँ पे डिक्लाइन होगा, ठीक है, ठीक है। फिर धीरे धीरे अपनी नॉर्मल उस सिचुएशन में बनता जाएगा। इसके बाद आप प्रोगेस्टेरोन देख रहे हो, प्रोगेस्टेरोन का क्या होगा, प्रोगेस्टेरोन पहले 1 to 14 डेज तक आपका नॉर्मल एज इट इज बना हुआ है, इसके बाद 14 डेज के बाद आफ्टर द ओव्यूलेशन के बाद ये क्या होगा, इसका पीक टाइम आना स्टार्ट होगा, ठीक है, जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही अपना कॉन्ट्रीब्यूशन प्ले करता है, रोल प्ले करता है अपना। फिर आपका धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन पे हो जाएगा। इसमें बात करते हैं FSH की, FSH थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि फॉलिकुलर फेज हो रहा है, प्रोलीफरेटिव फेज आ रहा है, वन बाय वन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे फॉलिकल्स बन रही है, ठीक है। और क्या हो गया, जो 14 है ओव्यूलेशन पे हाई हो गया, देन धीरे धीरे फिर आपका डिक्लाइन हो जाएगा। LH का आप देखोगे, LH का पहले तो नॉर्मल था बट ओव्यूलेशन पे बहुत ज़्यादा ही, तो आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं, FSH और LH ओव्यूलेशन के टाइम पे पीक रहेंगे, ठीक है, ये पीक रहेंगे और फिर उसके बाद फिर धीरे 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 करके ये नॉर्मल हो जाएगा। तो ये आपसे यहाँ से लेबलिंग से पूछ सकता है, तो लेबलिंग आपको पता होना चाहिए। इसमें एक ओवेरियन इवेंट्स है, ये क्या है, ये सब फॉलिकल्स बताए हैं कि दिस वन इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी एंड फुली आपका क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन की कंडीशन आ जाएगी, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर हो जाएगी, ठीक है, एंड एंड्रम इसको न्यूट्रिशन दे रही है, अभी हम पढ़ कर आए हैं यहाँ पे। डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम, LH ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे और रिजनरेटिंग हो जाएगी, रिग्रेसिंग हो जाएगी यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम, क्लियर। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट में क्या आता है आपका, ये फर्टिलाइजेशन बताया है. फर्टिलाइजेशन आपको पता ही है क्या होता है, व्हेन अ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर फ्यूज टू ईच अदर, ठीक है, देन दे फॉर्म अ जायगोट. अब ये कैसे इसमें फर्टाइल होता है आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो स्पर्म है, बहुत सारे लॉट ऑफ स्पर्म्स जो ओवम के पास आ जाते हैं, बट एंट्री तो एक ही कर पाता है. एंट्री एक कौन कर पाएगा, जो ज़्यादा उसमें पेनिट्रेट कर पाएगा, जो सबसे फर्स्ट टाइम उसमें पेनिट्रेट कर पाएगा. अदर देन जितने भी एडिशनल ऑफ स्पर्म होते हैं वो उसको प्रिवेंट कर देती है, वो उसको एंट्री नहीं देती है, ठीक है. तो यहाँ पे इसमें जैसे सपोज ये वाला हेड वाला रीज़न हो गया, ये नेक और मिडिल वाला रीज़न हो गया. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये हेड और ये आपका ये इसमें मिडिल और नेक वाला रीज़न हो गया, ठीक है. तो सिर्फ इसमें बेटा यही एंट्री करता है इसका, ये टेल वाला पोर्शन ये एंट्री यहाँ पे नहीं करेगा, ये यहीं रुक जाएगा, ठीक है. अब आपने देखा अभी हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी पढ़कर आए थे कि इसका जो हेड वाला पोर्शन वो था वो थोड़ा पॉइंटेड था, उसमें क्या था एक्रोसोम प्रेजेंट था, ठीक है, जिसमें कुछ क्या थे हमारे एंजाइम प्रेजेंट थे जो कि हेल्प कर रहे थे. किसमें क्यों हेल्प करेंगे, ताकि वो इजीली से पेनिट्रेट हो जाए. अगर वो अगर ये थोड़ी सी इसकी ब्लंट शेप ऐसी ऐसे करके शेप होती ना, ऐसे करके ये वाली शेप होती, तो इसमें वो प्रॉपर वे में एंट्री नहीं कर पाते, ठीक है. ऐसे करके इसकी एंट्री होती शेप, तो एंट्री नहीं कर पाते. तो कैसी बनी हुई है, इसे पॉइंटेड बनी हुई है, जिससे वो इजीली से उसमें एंटर कर पाए, ऐसी बनी हुई है ना, एज अ रॉकेट लाइक, ठीक है. तो ये ओवम हो गया, इसमें इसका न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, तो इसकी आउटर मैम्ब्रेन सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलोसिटा, ठीक है. एंड ये इन दोनों मैम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं प्री वेटेलियन स्पेस. क्या बोलते हैं उसको, प्री वेटेलियन स्पेस, ठीक है. फर्टिलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे एंड इम्प्लांटेशन. अभी मैंने आपको बताया था इम्प्लांटेशन क्या होगा, जब एंडोमेट्रियम फर्टिलाइजेशन हो गया तो एंडोमेट्रियम क्या होगा, यूट्रस की मैम्ब्रेन के साथ कनेक्ट हो जाएगी और इम्प्लांट हो जाएगी, उसी को बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा, एग, एग से जायगोट बन गया, एग से जायगोट आप फर्टिलाइज्ड एग से जायगोट बोलोगे, है ना, फर्टिलाइज्ड एग से आपका जायगोट बनेगा. टू सेल स्टेज, ये टू सेल स्टेज, इसको आप बोलोगे क्लीवेज. क्या बोलते हैं आप इसको, क्लीवेज. यहाँ पे हमारी सेल क्या करती है, डिवीजन होना स्टार्ट करती हैं. टू सेल्स, टू से फोर सेल्स, फोर से एट सेल, ये आपको ध्यान रखना है. मोरूला स्टेज, ये मोरूला स्टेज क्या है, एट टू सिक्सटीन सेल, ये एट टू सिक्सटीन सेल जो स्टेजेस होती है उसको मोरूला स्टेज बोलते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है. देन आपका ब्लेस्टुला आता है, देन फिर आपका ग्रेस्टुला कंडीशन आती है, ठीक है, जिसमें आपकी जो ब्लेस्टोसिस्ट इसकी मैम्ब्रेन हो गई और इनर सेल ऑफ मास, इसमें छोटे छोटे ब्लेस्टोमियर्स होते हैं जिसमें आगे जाके और डिवाइज होता है. जो 16 सेल्स है, 32 सेल्स, 64 सेल्स, ऐसे बहुत सारी सेल्स बनती हैं. जो इनर सेल्स होती है ना, वो आपकी क्या बनाती है, जैसे स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन करती है, कुछ इसमें स्टेम सेल्स भी होती हैं आपकी, ठीक है. इनर सेल्स आपकी ऑल पार्ट ऑफ ऑर्गेन्स में हेल्प करती हैं. यहाँ पे जैसे एक्टोडर्म्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, तो ये आपकी क्या हो गई, ये मैम्ब्रेन हो गई. अब इन मैम्ब्रेन से आपकी कौन कौन से ऑर्गेनोजेनेसिस, कौन कौन से ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, जैसे आपको पता है कुछ ऑर्गन्स आपके एक्टोडर्म से अराइज होते हैं, कुछ मीजो से होते हैं, कुछ एंडोडर्म से होते हैं, ठीक है. तो वो यहाँ पे अपना ये रोल प्ले करेंगे. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपका ये आता है, आपका ये क्या है, कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुका होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो इसमें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मदर होती है वो क्या करती है, कुछ हार्मोन सीक्रेट करती है. तो इसमें आपको इसको आपको नाम पता होना चाहिए, एससीजी एंड एचपीएल एंड रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है. और कुछ इसमें आपके प्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन भी होते हैं, प्रोगेस्ट्रॉन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है. ये दे आर द सम हार्मोन्स रिलीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. ठीक है, ये अब इसे आप देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या है, ये प्लेजेंटा विलाई, ये प्लेजेंटा है, ये प्लेजेंटा की विलाईज हैं जहाँ पे कॉरियोनिक, एमिनियन ये सब प्रेजेंट होते हैं हमारे यहाँ पे. कैविटी ऑफ यूट्रस, ये यॉक सैक हो गया. एम्ब्रियो, ये वाला पोर्शन, ये यहाँ पे एम्ब्रियो हो गया, अभी धीरे धीरे करके ऐसे डेवलप करेगा. दिस वन इज कॉल्ड अम्ब्लिकल कोड विद इट्स वेसल्स, ये जो अम्ब्लिकल कोड है वेसल्स के साथ अटैच्ड है, और प्लेजेंटा, ये इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखती है. एक पैसेज का काम करती है जहाँ से सारी चीज़ें, जो भी मदर फीडिंग कर मतलब जब खाना खाती है, ठीक है, उसके बाद जितना भी जो भी ऑक्सीजन लेती है, तो वो सारा क्या होता है, वो इस फीटस में ट्रांसफ़र होता है. अब जो भी जो फीटस का जो एक्सक्रिएशन होता है वो अनदर पैसेज से, मतलब जाता तो इसी के थ्रू है. जैसे सपोज यहाँ पे दो पैसेज होते हैं इस तरीके से, ये एक आने का पैसेज और एक जाने का पैसेज, एक ही वे होता है लेकिन एक दो अलग अलग पोर्शंस होते हैं इसके, ठीक है, वहाँ से एक्सपेल आउट हो जाता है. द
दिस इज कॉल्ड द प्लग ऑफ म्यूकस ऑफ इन सर्विक्स. तो ये आपका प्रोसेस क्या बताया सारा डेवलपिंग इन एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो आपका कैसे कैसे डेवलप करता है, कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, ठीक है. यहाँ पे कितने मंथ में कि कौन कौन से मंथ होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, कंप्लीट आपका गेस्टेशन पीरियड जायगॉट से लेके, एक वर्ड में आप पढ़ते हो यहाँ पे गेस्टेशन. गेस्टेशन में आपको आपको क्या पढ़ना होता है कि कंप्लीट जब जायगॉट से लेके जब जायगॉट फ्यूज मतलब स्पर्म एंड एग फ्यूज हो जाते हैं, जायगोट बन जाता है, वहाँ से लेके जब कंप्लीट एक फीटस का फॉर्म डेवलपमेंट हो जाता है, देन डिलीवरी कॉज हो जाती है, तो वो पूरा पीरियड क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड. तो इन ह्यूमन के केस में वो कितना होता है, 9th मंथ होता है, ठीक है. अनदर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग अपना होता है, ये हो गया. इसमें आपका एक पाचुरेशंस आता है, पाचुरेशंस मतलब आप बोलोगे यहाँ पे कि एक्सपेल आउट ऑफ द फीटस, ठीक है. जब इसका कंप्लीट टाइम हो जाता है या फिर कंप्लीट ड्यूरेशन हो जाता है ऑफ द गेस्टेशन पीरियड का, तो बेबी या फीटस जो होता है वो एक्सपेल आउट होता है फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी, फ्रॉम द यूट्रस से, फ्रॉम द वेजाइनल पोर्शन और सर्विकल कैनाल से. अभी हमने पढ़ा सर्विकल कैनाल और वेजाइनल जो होता है वो मिलकर बर्थ कैनाल बनती है, वहीं से उसका एक्सपेल आउट होता है, तो उसी को बोलते हैं पार्चुरेशन, ठीक है. इसके बाद कि मतलब एंडोमेट्रियम की जो कुछ मसल वो होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसमें कुछ होते हैं, क्या होते हैं उसमें, रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है. तो रिसेप्टर हो गए तो वो क्या करते हैं, अपने आप को रिसीव कर लेते हैं सिग्नल्स को, देन कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर देते हैं, वहाँ से इजीली से एक्सपेल आउट हो जाते हैं. एक इसमें आता है आपका लैक्टेशनल. लैक्टेशनल में अभी मैंने आपको बताया प्रोलैक्टिन हार्मोन भी सीक्रेट होता है थ्रू द पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू. तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, उसी टाइम पे प्रेग्नेंट जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उसी टाइम पे क्या होता है कि मदर जो होती है वो फीडिंग कराती है, ठीक है, तभी वो मिल्क का सीक्रेशन करते हैं. तो इसमें आपको ये सारी ही चीज़ें पता होनी चाहिए, क्लियर. यहीं से आपके क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब ये हमारा यहाँ पे जो फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर हमारा क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो स्टार्ट हो गया है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इसमें एक चीज़ यहाँ पे इसमें आती है आपकी एमिनोसेंटेसिस. एमिनोसेंटेसिस टेस्ट, ठीक है. एमिनोसेंटेसिस एक टेस्ट होता है विच डिटरमाइन टू द सेक्स, जो सेक्स को डिटरमाइन करता है. अब ये हमारे दो केसेस होते हैं, एक इसका पॉजिटिव केस होता है, एक नेगेटिव केस होता है. पॉजिटिव केस और नेगेटिव केस इन द सेंस कि पॉजिटिव केस होता है तो इट डिटरमाइन टू द जेनेटिक डिसऑर्डर. जो इसका पॉजिटिव केस होता है वो क्या करता है, आपका डिटरमाइन द जेनेटिक डिसऑर्डर, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, तो वो हमारा पॉजिटिव केस हो गया. बट जो नेगेटिव केस हम देखते हैं, तो नेगेटिव केस का क्या होता है कि जैसे ही डिटरमाइन करते हैं कि फीमेल है तो फीमेल फिटिसाइड करा देते हैं, ठीक है. तो ये आपका क्या है, दोनों केस आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव. तो आप इसमें दोनों केस भी बहुत अच्छे से पढ़ो के पहले इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या पुटअप हुआ है, बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे बन सकता है इसमें क्वेश्चन, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, ये प्लेजेंटा है, ये एमनियोटिक सेल्स है, एमनियोटिक सेल्स है, वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूड प्रेजेंट होगा. यहाँ से इस सिरिंज के थ्रू यहाँ पे क्या है, इस फ्लूड को इनटेक कर लेंगे. सेंट्रीफ्यूग के थ्रू क्या किया, ये एमनियोटिक फ्लूड हो गया, एमनियोटिक कैविटी एंड यूट्राइन वॉल. यहाँ पे फ्लूड को ले लिया. कंपोजिशंस ऑफ एनालिसिस, सेल्स, कैरियोटाइप, सेक्स डिटर्मिनेशंस, बायोकेमिकल्स एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्टडीज, ठीक है. सेल कल्चर्स में क्या है, बायोकेमिकल स्टडीज, क्रोमोसोमल एनालिसिस, एनालाइजिंग यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड्स. को डीएनए को मेथड मतलब जितना भी आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड्स है, मतलब जो सेक्स को जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है सेक्स को डिटरमाइन कर लिया वो ठीक है, वो आपका एक फिर वो डिपेंड करेगा, अपनी अपनी सबकी थिंकिंग अलग होती है, ठीक है. बट इसको इस पॉजिटिव केस में हम क्यों लेते हैं, क्योंकि इसको जो इसका डीएनए होता है, जो इसके जेनेटिक डिसऑर्डर में जो अनबैलेंसिंग होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए पॉजिटिव केस होता है, ठीक है. तो नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट में क्या आता है, यहाँ पे आता है हमारा बर्थ कंट्रोल मेथड. जो बर्थ कंट्रोल आता है, बर्थ कंट्रोल में आपको आपको पता है जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रही है, तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. अब वो कंट्रोल हम तभी कर पाएंगे जब हम प्रॉपर हमें उसके बारे में नॉलेज होगी, प्रॉपर हम अवेयर होंगे, ठीक है. तो यहाँ पे इसमें आपको क्या है, ये कॉन्डोम है, कॉन्डोम. दिस वन इज कॉल्ड डायफ्राम, दिस वन इज सर्विकल कैप, एंड दिस वन इज कॉल्ड लिप्स लूप. ये लिप्स लूप हो गया, लिप्स लूप, ठीक है. एंड दिस वन इज कॉल्ड कॉपर टी. तो यहाँ से आपके ऐसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं. देखो यहाँ से कॉन्डोम आपका ये नॉर्मली एक तो मतलब फिजिकली बैरियर के फॉर्म में काम आता है, ठीक है. कॉन्डोम, मेल कॉन्डोम एंड फीमेल कॉन्डोम. कॉन्डोम नाम के एक डॉक्टर थे, इन्होंने इस कॉन्डोम को डिस्कवर किया था, ठीक है. जिससे क्या कर सकते हैं, जो भी इजेकुलेशन मतलब ड्यूरिंग द इंटरकॉर्स के टाइम जो भी इजेकुलेशन एज अ सीमेन इजेकुलेशन होता है, स्पर्म का इजेकुलेशन होता है, उससे उसको स्टॉप कर सकते हैं इसकी, ठीक है. इसके साथ साथ एक इसका एक यूज़ ये भी है कि ये कैसा होता है, इट्स प्रिवेंट द एसटीडी. जो भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज होती हैं या इन्फेक्शंस होते हैं उससे प्रिवेंट करता है, ठीक है. इसके बाद
बर्थ कंट्रोल तो कर ही रहे साथ साथ, ये साथ में डायफ्राम और सर्विकल गैप, इन दोनों का भी अपना यही रोल प्ले होता है। एंड लिप्स लूप ये भी किया जाता है, एक आपका इसमें इम्प्लांट आता है, इम्प्लांट्स में आपके कुछ मैजेस्टिक्स लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऐसे 6 मैजेस्टिक्स होती हैं, ठीक है, वो आम पेट में ऐड कर दी जाती हैं इस तरीके से, ठीक है, इस मतलब इंसर्ट कर दी जाती हैं अंडर द स्किन के अंदर, ठीक है। तो इस ये भी हमारे एक बर्थ कंट्रोल का आता है। एक आपसे पूछ लेता है यहाँ पे कॉपर टी, ये इंपॉर्टेंट है आपसे, इसमें CU7 कॉपर टी मल्टी लोडेड 375, और इसमें आपसे डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि कौन कौन से जो बर्थ कंट्रोल के लिए जो हार्मोन्स होते हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन्स होते हैं, वो कौन से होते हैं। तो इसमें आपको बताना है यही कि एक तो आपका प्रोगेस्टेरॉन्स हार्मोन्स होता है जो आपका, और मल्टीलोडेड 370s होते हैं, ठीक है, 375 होता है, और ये जो कॉपर टी होता है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका आपका यह है, जो कॉपर आयन जो होता है ना, ये इंसर्ट किया जाता है इनसाइड द यूट्राइन मेम्ब्रेन में। तो जब यूट्रस वाले मेम्ब्रेन में इंसर्ट किया जाता है ना, तो ये क्या करता है, इट सप्रेस द मोर्टेलिटी ऑफ द स्पर्म, ये क्या करता है, सप्रेस कर देता है, इट सप्रेस द मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म की मोर्टेलिटी को स्टॉप कर देता है, सप्रेस कर देता है। तो जब वो मूव ही नहीं कर पाएंगे, फेलोपियन वाला जो पैसेज था, एम्पुला वाला रीजन, वहीं तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कॉज नहीं होगी आगे, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे बर्थ कंट्रोल मेथड। इसमें कुछ नेचुरल मेथड्स भी आते हैं, पीरियडिक टाइम के भी अकॉर्डिंग आते हैं कि पीरियडिक, जैसे अभी हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल देखी, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने 14 डेज का हमने ओवुलेशन पीरियड देखा, और 1-5 डेज का हमने क्या देखा, मेंसेस पीरियड देखा। तो 1-5 डेज में कोई प्रेगनेंसी कॉज नहीं होती, 14 डेज में हमारी नॉर्मल बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी कॉज होने के, उस बीच के जो टाइम ड्यूरेशन होती है वहाँ पे चांसेस नहीं होते। क्यों चांसेस नहीं होते, क्योंकि स्पर्म जो होता है इन साइड द फीमेल बॉडी में वो 3 डेज तक सर्वाइव करता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप 14 डेज के बाद ऐसा इंटरकोर्स होता है, तो इंटरकोर्स के टाइम पे मतलब आफ्टर द ओवुलेशन, तो उसमें 3-7 डेज का अगर आप टाइम को कम कर दो, तब वो आपका नॉर्मल एक नेचुरल मेथड होता है ऑफ द बर्थ कंट्रोल का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, इसमें ये आ गया आपका स्टरलाइजेशन मेथड। ये क्या होता है, आप स्टरलाइजेशन मेथड में क्या होता है, जैसे आपने सुना है ना, फीमेल स्टाइल और मेल स्टाइल हो जाते हैं। स्टाइल मीन्स विच आर नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस, ठीक है, जो प्रोड्यूस नहीं कर पाते, कैपेबल नहीं हो पाते कि प्रोडक्शंस कर पाएं स्पर्म का और एग का। तो इसमें यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, इसमें बेटा आपको दो वर्ड देखने हैं, एक तो वेसिक्टोमी और एक ट्यूबेक्टोमी। अगर आपको ट्यूबेक्टोमी याद है, तो आपको फेलोपियन ट्यूब आपको पता होना चाहिए, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। और वेसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस, अभी जो हम स्ट्रक्चर पढ़कर आए हैं, वास्ट डिफरेंस हमने क्या पढ़ा था कि विच कैरी द स्पर्म को सिर्फ कैरी करके ले जा रहा है, जब उसके पैसेज को आप ब्लॉक कर दोगे। देखो ये क्या है, वास्ट डिफरेंस टाइट एंड कट, इसको टाइट किया एंड कट कर दिया। तो यहाँ पे जो टेस्टीज है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो फॉर्मेशन हुआ स्पर्म का, अब धीरे धीरे मस्त होके अपना स्पर्म यहाँ से जा रहा है। अब जा रहा है तो वो क्या होगा, वहाँ तक तो पहुँचेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो पैसेज कैसा है, वो ब्लॉक कर दिया, वो टाइट कर दिया। तो जब जा ही नहीं पाएगा, तो इस वाले रीजन में आ ही नहीं पाएगा, यूरेथ्रा वाले रीजन में नहीं आएगा, पेनिस वाले रीजन में नहीं आएगा। जब पेनिस वाले रीजन में नहीं आएगा, तो कैसे इजैकुलेट हो पाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन इसकी आती है ट्यूबेक्टोमी की। यहाँ पे जो फेलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ पे आपको पता है ये एग हो गया, ये एग मतलब ओवरी है, एग प्रोड्यूस करेगी, जब यहाँ तक जाएगी वो कैरी होके यहाँ पे चली जाएगी, एम्पुला तक चली जाएगी, एम्पुला इस समझ तक चली गई। तो यहाँ पे इस वाले रीजन को ब्लॉक कर दिया, जब ब्लॉक कर दिया तो यहाँ पे जा ही नहीं पाएगा, मतलब स्पर्म तो आ जाएगा, स्पर्म की तो एंट्री हो जाएगी, बट स्पर्म की एंट्री होगी तो वो एंट्री कहाँ से करेगा, क्योंकि ये तो पैसेज तो ब्लॉक है ना, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या होती है, स्टरलाइजेशन मेथड होता है, वास वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि बर्थ कंट्रोल होना क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ साथ अभी हमने इसके कुछ व्यूज देखे थे, मतलब हम कैसे कैसे बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमने फिजिकल बैरियर देखा था, जैसे कॉन्डोम वगैरह देखा था, तो मैंने आपको एक वर्ड बोला था STD, या आप यहाँ पे एक वर्ड और बोल सकते हो STI, ठीक है। STD मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, STI मीन्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है, ये इसको कॉज होने से मतलब करता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है। तो उसमें यहाँ पे हमारा क्या क्या होगा, देखो गोनोरिया इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए कि STD में कौन कौन सी डिसीज आती हैं, हेपेटाइटिस बी आती है आपकी, ठीक है, एड्स की आपकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, एड्स पता है आपको, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये वायरस के थ्रू कॉज होती है, HIV इज अ ह्यूमन वायरस है। इसमें इसके आगे देखिए हर्पीस,
ये हर्पिस हो गई, ये HIV आ गया आपका, हेपेटाइटिस ए आ गया, ठीक है। इसके बाद साइजीलिया आ गया इसमें, यहाँ पे स्केबीज, ये सारे STDs हैं, ठीक है। सिफिलिस एंड क्लेमाइडिया, ये सारे जितने भी हैं सारे आपके क्या हैं, ये STDs हैं। ये आपको पता होनी चाहिए, इसकी नेमिंग पूछ सकता है, ठीक है। देन यहाँ पे देखो ये क्या है आपका, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, कैसे कैसे है ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेज का कैसे है, ठीक है, ये कैसे ट्रांसमिट हो जाती हैं। देखो गोनोरिया का बताया हुआ है इसमें, सिफिलिस का बताया हुआ है, ये किस तरीके से आपकी ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है। STD ट्रीटमेंट, STD को हम कैसे कैसे करके ट्रीट कर सकते हैं, ये इसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ से अब हमारा क्या आता है, जो फोर्थ चैप्टर था जितना भी हमने पढ़ा उसमें उतने क्वेश्चन ही सफिशियंट है, उतने ही क्वेश्चन इसमें पुट अप हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये जो हमारा टॉपिक है ये क्या है हमारा, आपकी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ये आपकी मॉल इसमें जेनेटिक्स में आती है, ठीक है। जेनेटिक्स में आती है तो जेनेटिक का नाम सुनते हैं आपको पता है मेंडल ने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, तो इसमें डायरेक्टली जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसमें यहाँ पे मेंडल को लेकर, तो जो मेंडल को लेकर क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि मेंडल ने आपको पता है पी प्लांट पे अपने एक्सपेरिमेंट दिए थे, एक क्वेश्चन ये हो सकता है पी प्लांट का बोटानिकल नेम पाइसम सैटिवम होता है, ठीक है। अब उन्होंने कितने कैरेक्टर्स लिए थे, उन्होंने आपके 7 कैरेक्टर्स लिए थे, कौन से 7 कैरेक्टर्स। अब वो जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे उसमें कौन से डोमिनेंट और कौन से, अगर थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन बनाना हो तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, कैसे कि डोमिनेंट ट्रेट्स और रिसेसिव ट्रेट्स। अब कौन कौन से लिए थे, पहले तो आपसे पूछ लेगा कितनी शेप और कितनी कलर लिए थे, तो आपको पता है यहां पे सीड शेप हो गई एंड पॉड शेप हो गई, तो आप बोलोगे टू शेप हो गई और 3 कलर, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड कलर, कितने कलर हो गए, 3 कलर हो गए, 2 शेप एंड 3 कलर। उसके बाद क्या बचता है आपका, फ्लावर पोजिशन, एक सेकेंड, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन क्या है, ठीक है, एंड स्टेम की हाइट। तो ये कितने होगा, ये 3 और 2, 5, 6 एंड 7 स्टेम की हाइट, ठीक है। तो ये इसमें आपसे डोमिनेंट और रेसिसिव का केस पूछ सकता है। देखो सीड की शेप राउंड होगी तो डोमिनेंट होगी, रिंकल होगी तो रेसिसिव होगी, सीड का कलर येलो होगा तो डोमिनेंट होगा और सीड का कलर ग्रीन होगा तो कैसा होगा, रेसिसिव होगा, फ्लावर वायलेट होगा तो डोमिनेंट, वाइट होगा तो वायलेट, इन द सेंस अभी कोई भी कलरेशन इसमें हो सकती है यहाँ पे, बट मेंडल ने तो वायलेट ही लिया था। फ्लावर का कलर वाइट होगा तो रेसिसिव होगा, पॉड शेप फुल होगी, पॉड मतलब यहाँ पे जो फली, जैसे सपोज हम इस तरीके से मटर हमने देखी है तो मटर में यहाँ पे सीड लगी होती है, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन बेटा होता है ना, जो फली होती है उसको बोलते हैं पॉड, ठीक है। तो जो पॉड की जो शेप होती है वो फुल होती है, फुली हुई होगी तो वो डोमिनेंट होगी, कंस्ट्रक्टेड मतलब पिचकी हुई होगी तो वो कैसी होगी, रिसेसिव होगी। पॉड का कलर ग्रीन होगा और येलो। अब आपको ये तो आप इसमें इजीली से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा वायलेट है तो डोमिनेंट है, राउंड है, ठीक है, फुल है तो डोमिनेंट है और कंस्ट्रक्टेड है तो रिसेसिव है। बट यहाँ पे आप थोड़े से कन्फ्यूज हो जाओगे, एक तो सीड के कलर में और एक आप पॉड के कलर में, कि कौन सा येलो डोमिनेंट था, कौन सा ग्रीन आपका रिसेसिव था। तो आप यहाँ पे याद रखना पीजी पिंगेस्ट होते हैं, पी मतलब पॉड के बारे में बात हो रही है और जी मतलब यहाँ पे ग्रीन कलर, इसका ग्रीन कलर क्या होगा, डोमिनेंट होगा, बाकी इसका रेसेसिव और येलो इसका रेसेसिव होगा। और सेम इसका अपोजिट कर दो कि येलो सीड का डोमिनेंट और ग्रीन उसका रेसेसिव, क्लियर। फ्लावर की पोजीशन पूछेगा इसमें एग्जाइल और टर्मिनल, यहाँ पे ये एग्जाइल वाली पोजीशन होगी इसकी, ठीक है, और ये क्या होगी इसकी टर्मिनल, जैसे यहाँ पे इस तरीके से ऐसे कर करके जाएंगे, ऐसे यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, तो ये एग्जाइल हो गई, टर्मिनल पोर्शन आपका ये होता है यहाँ पे, और ये यहाँ पे फ्लावर आ गया, यहाँ पे फ्लावर आते रहेंगे इस तरीके से, ये एग्जाइल हो गई, यहाँ पे इसकी एंडिंग हो गई, टर्मिनल हो गया, ठीक है, तो ये इसकी रेसेसिव केस हो गया। स्टेम की हाइट टॉल है तो डोमिनेंट है, डॉफ है तो रेसेसिव है। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि कितनी शेप, कितना कलर लिया, कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है, क्लियर है, और कौन से कितने कैरेक्टर्स लिए, किस पे लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका मोनोहैबिट डाईहैबिट क्रॉस, इसको हम फटाफट से इसमें देखते हैं। वैसे तो आपने क्रॉस आपको पता ही है कि टॉल और डॉफ के बीच में कराया, देखो कि टॉल और डॉफ के बीच में क्रॉस कराया तो कैपिटल डी स्मॉल टी आया, तो F1 जनरेशन में जो है इसकी सेल्फिंग करा दी, जब इसकी सेल्फिंग करा दी तो यहाँ पे टॉल और डॉफ, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कराया तो यहाँ पे कैपिटल टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि F1 जनरेशन में जो F1 जीनोटाइप है वो क्या है,
टॉल टॉल डॉर्फ मीन्स इसकी जो रेशियो आई वो क्या आई, 3:1। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा मोनोहैबिट क्रॉस में कितनी रेशियो आती है, आपको बताना है 3:1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है आपका डायहैबिट क्रॉस। तो डायहैबिट क्रॉस में आपका क्या होगा, इसमें आपको 2 कैरेक्टर्स लेने होंगे। उसमें आपने क्या लिया था, उसमें सिंगल कैरेक्टर्स लिए थे। देखो यहाँ पे आप ओनली क्या लिया था, सिंगल कैरेक्टर्स, ये सिंगल कैरेक्टर्स इन्वॉल्व, ये आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से, राउंड येलो कैपिटल आर आर जो रिप्रेजेंट करेगा वो राउंड को करेगा, कैपिटल वाई वाई जो रिप्रेजेंट करेगा वो येलो को करेगा, स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई तो स्मॉल आर आर रिंकल को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल वाई वाई ग्रीन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई, तो जो डोमिनेंट है वो क्या होगा, राउंड येलो। अब इनकी सेल्फिंग होगी, तो जब इनकी सेल्फिंग होगी तो इनका यहाँ पे जो रेशियो आएगा, जो फिनोटेपिक रेशियो होगी वो क्या आएगी, 9:3:3:1। ये इंपॉर्टेंट रेशियो है, ये आपको याद होनी चाहिए डायहैबिट क्रॉस के केस में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है आपका मेंडल्स लॉ। तो जो मेंडल्स लॉ है वो आपको पहले मैं बता देती हूँ आपको एक बात, कि अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, यहाँ पे अभी हमने एक मोनोहैबिट क्रॉस पढ़ा था और एक अभी हमने यहाँ पे डायहैबिट क्रॉस पढ़ा था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एम एस और एक आपको याद रखना है यहाँ पे डी आई। एम एस और डी आई क्या है, एम है आपका मोनोहैब्रिड, मोनोहाइब्रिड, और डी क्या है बेटा आपका डायहाइब्रिड। क्लियर, अब एस क्या है आपका, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, और डी आई में आ जाएगा आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो हमने मोनोहैबिट क्रॉस में पढ़ा, जो हमने डायहैबिट क्रॉस में पढ़ा, सेम एज वो आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आ जाएगा, और सेम एज वही रेशियो, कितनी रेशियो थी, 3:1। इसमें कितनी रेशियो थी, 9:3:3:1। तो ये सेम हमको करना है, वो चीज़ अब हमें दोबारा नहीं करनी, वो हमें इतना ही करना है इसमें। ठीक है, बट इसमें हम देख लेते हैं, देखो आपका सेम यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही है, इसको लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं, आपसे पूछ लेगा डायरेक्टली कि अनदर नेम ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, तो आपको बताना है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो आपको फिनोटिपिक रेशियो बताने इसमें 3:1, जीनोटिपिक रेशियो बताने इसमें आपको 1:2:1। आप इसमें देख लो एक बार, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसके 3 लॉज हैं वैसे तो, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैंने आप लिखा हुआ भी है सेम एज डायहैबिट क्रॉस। ठीक है, सेम एज डायहैबिट की तरह हो जाएगा, ये वाला आपका सेम एज किसकी तरह हो जाएगा, मोनोहैबिट की क्रॉस की तरह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है सेम एज मोनोहैबिट क्रॉस। यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, इन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल और हाइब्रिड्स अ कैरेक्टर्स इज रिप्रेजेंट बाय 2 कंट्रास्टिंग फैक्टर्स। 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, जब इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो वो हमारी एलिलीज होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप भी हो सकता है, 1 of the 2 contrasting alleles ओनली 1 is able to express इट्स इफेक्ट्स इन इंडिविजुअल। अब 2 heterozygous alleles हैं, सपोज कैपिटल डी स्मॉल टी है, कैपिटल डी स्मॉल टी, ये तो हेट्रोजाइगस यही होगा, आपने ये चीज़ पढ़ी है होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस है बट रिसेसिव है, ये कैसी है, हेट्रोजाइगस है। अब इसमें क्या होगी, विच आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, कोई भी अपने आप को जो एबल होगी एक्सप्रेस करने के लिए वही हमारी क्या है, डोमिनेंट। अब जैसे अभी आपने देखा, अभी हमने डायहैबिट के केस में यहाँ पे ये आर वाई था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, लेकिन यहाँ पे हमारे दोनों आया था कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई, बट हमने कंसीडर किसको किया था कि राउंड येलो, क्यों, क्योंकि जो कैपिटल आर जो है वो स्मॉल, मतलब आप बोलोगे कि कैपिटल आर जो है वो ओवर डोमिनेंट है स्मॉल आर के। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस इसी चीज़ को फॉलो करता है, इट इज कॉल्ड द डोमिनेंट फैक्टर। क्लियर है, जो भी हेट्रो जो जायगस होता है इंडिविजुअल अपने आपको एक्सप्रेस कर सके, इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है आपका, यहाँ पे एक्सेप्शन है ये प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ से आपका क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट कर लो आप, यहाँ पे ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो पॉइंट है वो किसने दिया था, आप बताओगे कार्ल कॉरेंस ने। ठीक है, अब किसको किस पे रिप्रेजेंट किया था, 4 o'clock फ्लावर पे दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये वाला, कि यहाँ से कई क्वेश्चन आपके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे। एक क्वेश्चन तो इसको किसने डिस्कवर किया था, कार्ल कॉरेंस ने, किस पर किया था, 4 o'clock प्लांट पर किया था, इसको एंथेरिनियम मैजस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या था, ये तो सिंपल सा आपका है कि रेड फ्लावर लिया, व्हाइट फ्लावर लिया, दोनों को आपस में मिक्स कराया, देन क्या हुआ, एक पिंक फ्लावर जनरेट हो गया। तो ये रेशियो क्या आएगी आपकी, रेड पिंक एंड वाइट, तो यहाँ पे इसमें जो रेशियो आएगी 1:2:1 की रेशियो आएगी। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है आपका कोडोमिनेंस। ये सारा आपका कोडोमिनेंस आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि कोडोमिनेंस आपका केस का एग्जांपल है, तो इससे आप बताओगे मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल है, ब्लड ग्रुप का एग्जांपल है इसमें आपका, ठीक है, कोडोमिनेंस। तो इसमें आपको ये सारे आपको पॉइंट्स देखने हैं कि एक ह्यूमन ब्लड ग्रुप का एग्जांपल है या आपका मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल है कोडोमिनेंस, ठीक है। इसमें ब्लड आपके टाइप्स पूछ लेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे कैसे पुट अप हो सकता है, हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर प्रेजेंट इन ब्लड एंड हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर प्रेजेंट इन ब्लड ग्रुप, कितने ब्लड ग्रुप में हमारे जीनोटाइप्स और कितने फिनोटाइप्स होते हैं, तो आप बताओगे 4 आपके फिनोटाइप होते हैं, ए बी ए बी एंड ओ, और जीनोटाइप्स कितने होते हैं आपके 6 होते हैं, ठीक है, आई ए आई ए आई ए स्मॉल आई, आई ए आई बी स्मॉल आई, आई ए आई बी स्मॉल आई आई। तो ये क्या कैसे हो गए, ये 6 हो गए आपके यहाँ पे, ठीक है, और ये हो गए आपके यहाँ पे 4। फीनोटाइप इज अ फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइप इज अ जेनेटिक अपीयरेंस, ठीक है। और ये एंटीबॉडीज में ब्लड टाइप बी होगा इसमें यहाँ पे आपका, ठीक है, अगेंस्ट होगी ना एंटीबॉडी आपकी यहाँ पे, ब्लड टाइप इसमें आपका ए टाइप का, नन ऑफ इसमें ब्लड टाइप्स इसमें बोथ टाइप के होंगे, ए एंड बी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक आप इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि कैपिटल देखो यहाँ पे क्या है कि आई ए इक्वल आई बी, आई ए आई बी इक्वल है, बट क्या है ये यहाँ पे ये जो है क्या है, ये इस तरीके से मोर देन है किससे, स्मॉल आई से, आप बोल सकते हो ओवर डोमिनेंट स्मॉल आई, कि आई ए आई बी क्या है एक ओवर डोमिनेंट हो जाएगा स्मॉल आई के, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ये डोमिनेंट है ये भी डोमिनेंट है, क्लियर है, ये स्मॉल आई तो ये रेसेसिव केस हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन ये वाला पुट अप हो सकता है कि आपसे एग्जांपल पूछ लेगा, कोडोमिनेंस का एग्जांपल आप बताने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, तो इसमें डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस आपसे क्या है, फर्स्ट पॉइंट्स में क्या है आपका कि बैक क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड वन ऑफ द टू पेरेंट, आइदर होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव। आपको ये पॉइंट एज इट इज आपको ऐसे याद रखना है कि बैक क्रॉस में जब क्रॉसिंग होती है F1 की, जब हम हाइब्रिड कराते हैं तो होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रेसेसिव होना चाहिए। इसमें क्या आता है हमारा, टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ अननोन जीनोटाइप, एक अननोन जीनोटाइप के साथ क्रॉस करा देते हैं, इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स, वो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स होता है, एंड इट इज डन टू टेस्ट वेदर द अननोन जीनोटाइप इज अ होमोजाइगस और हेटरोजाइगस। अब वो डिपेंड करेगा कि वो जो अननोन है वो होमोजाइगस है या हेटरोजाइगस है, बट यहां पे क्या था, होमोजाइगस रिसेसिव भी था और होमोजाइगस डोमिनेंट, बट यहां पे कैसा है, सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव। नेक्स्ट देखिए, द ब्रीडिंग ऑफ F1 जनरेशन विद वन ऑफ इट्स पेरेंट्स इज नोन एज बैक क्रॉस, ब्रीडिंग ऑफ द डोमिनेंट फिनोटाइप विद होमोजाइगस रिसेसिव फिनोटाइप पेरेंट इज नोन एज अ टेस्ट क्रॉस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैक क्रॉस कैन बी सेड एज अ टेस्ट क्रॉस इफ पेरेंट इज रिसेसिव। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैक क्रॉस को आप टेस्ट क्रॉस कह सकते हो, कब कह सकते हो, कि जब पेरेंट जो होंगे वो कैसे होंगे, रिसेसिव होंगे, बट ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, जितने भी टेस्ट क्रॉस होते हैं वो कैसे होते हैं, बैक क्रॉस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एज F1 हाइब्रिड इज क्रॉस विद आइदर होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटरोजाइगस जीनोटाइप। अब जो F1 हाइब्रिड होती है वो कैसी होती है, होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकती है एंड हेटरोजाइगस जीनोटाइप भी हो सकती है। यहाँ पे क्या है, इन द F1 हाइब्रिड इज क्रॉस विद अ रेसेसिव, अभी पढ़ा था ना यहाँ पे, ओनली होमोजाइगस रेसेसिव के केस में, तो रेसेसिव जीनोटाइप ही क्रॉस करा सकते हैं। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तो जरूर पुटअप हो जाएगा आपका, ठीक है, आपको रेसेसिव और डोमिनेंट के केस में ही घुमा देगा कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में कौन कौन सा केस होगा, तो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या रेसेसिव होगा, वहीं से आप क्वेश्चन ये आपका गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसको आप ध्यान से आपको उसको कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आता है आपका इसमें पेलियोट्रॉपी। ये पेलियोट्रॉपी आपका क्या बताता है, देखो पेलियोट्रॉपी, पेलियोट्रॉपी में आता है आपका कि जो सिंगल जीन होता है वो इफेक्ट करता है एज अ मोर देन, मतलब बहुत सारे फंक्शन को शो करता है, कैसे, यहाँ पे बीटा ग्लोबुलिन है, ठीक है, जीन म्यूटेशंस हो गया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जीन में म्यूटेशंस आ गए, चेंजेस आ गए सिंगल जीन बेस पेयर में, तो पेलियोट्रॉपी क्या करेगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगी, लिवर फेल हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, मतलब एक सिंगल जीन अफेक्ट करेगा मल्टीपल ट्रेट्स को। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि सिंगल जीन अफेक्ट करेगा मल्टीपल ट्रेट्स को, तो वो पेलियोट्रॉपी हो गई। इसमें एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे ये सारे करी, ठीक है। इसमें हम देखते हैं अपना सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग, वो तो आपको पता है कि मेल फीमेल में क्या क्या होता है ना, किसके थ्रू हम कैसे करते हैं, देखो सेक्स डिटर्मिनेशंस ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के थ्रू हम यहाँ पे कैसे डिटरमाइन कर पाते हैं, आपको पता है नॉर्मल एक्स एक्स
वाई वाई, ठीक है, पहले एक्स एक्स हो गया और एक्स वाई हो गया. तो एक्स एक्स किसका होता है जब, इसका फीमेल का होता है, और एक्स वाई जो होता है वो मेल का होता है. अब ये इसमें किसके एग्जाम्पल होते हैं, इज़ अ ग्रास ऊपर, ठीक है, उसके बाद आपका जो ड्रोसोफिला होता है वो सब इसमें आते हैं. ये आपको ध्यान रखना है. इसमें एक केस है, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो आता है आपका जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू. ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. वहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आएगा बट यहाँ से आ सकता है. यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, देखो ये जो होते हैं आपके किस में होते हैं, इन बर्ड्स में होते हैं, ठीक है, इन बर्ड्स. तो यहाँ पे आप कैसे बताओगे, ये बेटा अभी हमने देखा ये होमोजाइगस था, और होमोजाइगस किस में है, फीमेल में. बट ये जो होमोजाइगस होता है किस में होता है, मेल में होता है. ये हेट्रोजाइगस है किस में होता है, मेल में. बट ये केस किस में होता है, फीमेल में. तो आपको यही पर आपको वो नहीं पूछेगा जो आपको पता है, आपको थोड़ा सा एडवांस करके पूछेगा. कैसे, इस तरीके से कि आपको पता है वो चीज़ कि भाई हमने तो अभी तक यही पढ़ा है कि नॉर्मल होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस है ना, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज कर देगा कि बच्चे को ये चीज़ तो पता है, वो थोड़ा सा घूम जाए. तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि बर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि जो होमोजाइगस होगा वो मेल में होगा, और हेट्रोजाइगस वाला फीमेल में होता है, ठीक है. अब ये जो मैंने यहाँ पे जो ये बनाया हुआ है चार्ट, ये इसमें क्या है, ये आपका बताता है एज अ हनी बी पर. जो न्यू आपकी एनसीईआरटी जो अपडेट है उसमें आपको एक हनी बी का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है. देखो जरा इसमें क्या आता है आपका, कि फीमेल है, क्वीन है, मेल है, ड्रोन है, ठीक है. यहाँ पे आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि फीमेल जो होती है वो कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, आपको बताना है 32. मेल में कितने होते हैं, 16, जो कि कैसा होता है, हैप्लॉइड. और फीमेल कैसी होती है, डिप्लॉइड. यहाँ पे इसमें क्या होते हैं आपके, ये कितना बनाते हैं ऐसा, ड्रोन, मतलब मेल जो होता है वो ड्रोन होता है, ठीक है. अच्छा, माइटोसिस मेल में क्या होती है, माइटोसिस होती है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है, एंड फर्टिलाइजेशन होते हैं. एंड फीमेल में क्या होता है, म्यूसिस होती है, एग, बहुत सारे एग प्रोड्यूस करती हैं, एन और एन 16 एग प्रोड्यूस करते हैं. यहाँ से जब प्रोड्यूस होती है तो यहाँ से मेल और फीमेल का होता है, ये फर्टिलाइजेशन होता है. तो यहाँ पे डिप्लॉयड फीमेल हो गई, यहाँ पे ये 32 बनाया. यहाँ पे इसने जब ये एन प्रोड्यूस करती है तो ये पार्थेनोजेनेसिस हो गया आपका. यहाँ पे इसमें हैप्लॉयड मेल बनाती है, क्या बनाती है, हैप्लॉयड मेल को फॉर्म करती है, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस से. यहाँ पे जब पार्थेनोजेनेसिस करेगी मतलब मेल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसको स्पर्म नहीं चाहिए होगा, वो डायरेक्टली उस एग से ही फॉर्म कर देगी, ठीक है, मतलब विदाउट फ्यूजन ऑफ स्पर्म, पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू हैप्लॉइड मेल का फॉर्मेशन हो जाएगा. इसलिए आपका जो मेल होता है वो अनफर्टिलाइज होता है, और जो फीमेल जो होती है वो फर्टिलाइज होती है, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है आपका, यहाँ पे इसमें डिसऑर्डर पढ़ने हैं, इसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में इट इज़ कॉज ड्यू टू द अल्टरेशन इन द जीन और ड्यू टू म्यूटेशंस, जीन्स में चेंजेस आने, जीन्स में म्यूटेशन आने, चेंजेस आने, ठीक है. इट इज़ कॉज ड्यू टू द एबनॉर्मल अरेंजमेंट्स ऑफ क्रोमोजोम नंबर. यहाँ पे क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में क्या है कि क्रोमोजोम के नंबर में, उसकी अरेंजमेंट में चेंजेस आना, एबनॉर्मेलिटीज आनी, कैसे, या तो ज़्यादा हो जाने या फिर कम हो जाने. इट कैन बी स्टडीड यूजिंग अ पेडिग्री चार्ट. इसको हम पेडिग्री चार्ट के थ्रू मेंडेलियन डिसऑर्डर को समझ सकते हैं. इट कैन बी स्टडीड यूजिंग द कैरियोटाइप. कैरियोटाइप मीन्स इज़ जो आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसके थ्रू आप इसको स्टडी करके समझ सकते हैं. एग्जाम्पल, कलर ब्लाइंडनेस, द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ब्लाइंडनेस इज प्रेजेंट इज द एक्स क्रोमोजोम विच गेट्स अल्टरेटेड ड्यू टू द सम रीजन लीडिंग टू द कलर ब्लाइंडनेस इन अ पर्सन. मैं इसमें आपको यहाँ पे दो बताती हूँ, ठीक है, जिसमें आपके जो एनसीईआरटी के पॉइंट है, एनसीईआरटी के पॉइंट में एक तो आपका बेटा कलर ब्लाइंडनेस, जो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, और एक आपका इसमें आता है हीमोफीलिया, एक आता है इसमें आपका हीमोफीलिया, ठीक है, जिसमें कि आपका आपसे पूछ लेगा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव. एक आपसे पूछ लेगा इसमें सेक्स लिंक आपका डोमिनेंट और रेसेसिव. तो आपको डायरेक्टली आपको याद रखना है कि ये वाला जो आपका है कि ऑटोसोमल क्या होंगे और सेक्स लिंक क्या होंगे, ठीक है. इसमें आप देखिए, इसमें एग्जांपल आपका डाउन सिंड्रोम है, ये इट अकर्स व्हेन देयर इज इट्स एडिशनल कॉपी ऑफ 21 क्रोमोसोम, कि एडिशनल कॉपी हो जाती है किसकी, 21 क्रोमोसोम की प्रेजेंट. इट इज आल्सो नोन एज अ ट्राइसोमी, उसको क्या बोलते हैं, एज अ ट्राइसोमी बोलते हैं, ठीक है. ये हो गया, आप इसमें बोल सकते हो कि 2n+1, यहाँ पे क्या हो जाती है ऐसे 2n+1, 2n-1, कई सारी कंडीशन इसमें यहाँ पे क्रिएट होती है, क्लियर. तो इसमें अभी मैं आपको केस बताती हूँ, यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर, और एक आपने इसमें अलग से पढ़ा होगा, देखो एक आपने पढ़ा होगा यहाँ पे सिकिल सेल एनीमिया पढ़ा होगा, है ना, सिकिल सेल एनीमिया. इसके बाद इसमें आपने यहाँ पे पढ़ा होगा PKU, फिनाइल क्यूटेनेरिया. एक आपने इसमें थैलेसीमिया एंड एक आपने इसमें यहाँ पे क्या पढ़ा होगा, सिस्टिस
फाइब्रोसिस, ठीक है। तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा ये आपके किस टाइप की डिसीज़ है, क्रोमोसोमल मतलब ऑटोसोमल में है और क्या है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, एक्स लिंग, ये वाली क्या है आपकी एक्स लिंग डिसीज़ है, एक्स लिंग, और आप इसको सेक्स लिंग भी बोल सकते हो, एक्स लिंग और सेक्स लिंग रिसेसिव डिसीज़, ठीक है। जबकि ये वाली आपकी कैसी है, ये आपकी ऑटोसोमल है, कैसी है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज़। आपकी एनसीईआरटी में ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज़ का शो नहीं है, उसमें नहीं बताया, आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि ये क्या करती है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस डिसीज़, आपको बस एक्स लिंग ये सब पता होना चाहिए। हीमोफीलिया में क्या होता है, इसमें कुछ आपकी ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती है, उसकी अब्सेंस होती है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि इसमें कि कोई भी मेल या कोई भी फीमेल जो होती है वो आर नॉट कैपेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर, रेड और ग्रीन कलर को वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती है, क्लियर। एक आती है आपकी सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि इसमें जो आपका आपको पता है नॉर्मल जो आरबीसी की शेप होती है वो बाइकॉन केव शेप होती है, यहाँ पे जब सिकल सेल एनीमिया होता था तो बीटा पोजीशन होती है ऑफ द हीमोग्लोबिन की, सिक्स पोजीशन पे जो आपका ग्लूटामिक एसिड होता है, क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट इनटू वेलिन, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एट द सिक्स पोजीशन पे। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि सिकल सेल में आपका क्या होता है कि ग्लूटामिक एसिड बीटा ग्लोबुलिन की चेन में ऑफ द हीमोग्लोबिन की, है ना, वे चेंज हो जाता है किसमें, एज अ वेलिन में, ठीक है, किसमें चेंज हो जाता है, वेलिन में। तो ये क्या आ गया, म्यूटेशन ही तो आ गया। यहाँ पे इसका जो होता है जी ए जी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जी यू जी में कन्वर्ट हो जाता है, ये चीज़ पूछ सकते हैं। पी के यू में क्या आता है, फिनाइल ग्लूटिनेरिया, इसमें फिनाइल एलानिन एनहाइड्रोनेज एक एंजाइम होता है, इसी एंजाइम की वजह से अगर ये प्रेजेंस है तब आपके जितने भी सारे आपके इसमें जैसे मेलानिन हार्मोन होता है, इपिनेफ्रिन होते हैं, जितने भी आगे प्रोसेस होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, अगर वो एंजाइम प्रेजेंट है तब तो ये आपका काम करेगा। अदरवाइज जब इस एंजाइम की क्या हो जाती है, लैक हो जाती है, ठीक है, तो आप कौन सा एंजाइम, फिनाइल एलानिन एनहाइड्रेज एंजाइम, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है वो कि वो अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। पी के यू क्या होता है, एक्यूमुलेट इन द ब्रेन, ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाएगा, देन क्या कॉज करेगा, मेंटल रिटार्डनेस को कॉज करेगा, ठीक है। सेम एज आपका थैलेसीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है लिवर में, ब्रेन में, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में मोनोसोमी, ट्राइसोमी, ये सब आपको देखना है। यहाँ पे सिर्फ मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है और ये चीज़ बनती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या आता है इसमें आपका, डाउन सिंड्रोम। यहाँ पे आपके क्या है कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये आता है आपका इसमें, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर। मैंने इन तीनों को एक साथ ही मर्ज कर दिया क्योंकि हम तीनों को एक साथ ही देखते हैं। कैसे देखेंगे, साइंटिस्ट की आपको नेम की टेंशन लेनी नहीं है क्योंकि जितने भी डाउन है, क्लिनफेल्टर है, टर्नर, ये नाम ही किसे पड़े, इनके साइंटिस्ट के नेम पे, ठीक है। ये डाउन लैंगडॉन नॉन के साइंटिस्ट थे तो डाउन सिंड्रोम बोल दिया वहाँ पे। क्लिन, यहाँ पे देखो पहले इसको देख लेते हैं डाउन सिंड्रोम को, कि ट्राइसोमी 21st क्रोमोसोम पे होती है, पर्सन हैज़ अ 3 क्रोमोसोम 21st इंस्टेड ऑफ 2, ठीक है। क्या क्या इसमें सिम्टम्स होते हैं, हियरिंग लॉस हो जाता है, हार्ट एंड विजन डिसऑर्डर हो जाता है, फिजिकल डिफॉर्मिटी हो जाती है इसमें, रेंज एंड मेंटल ग्रोथ रिटार्डनेस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होती है, बॉयज हैव एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, बॉयज के पास क्या जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, मीनिंग बॉयज में थोड़ा सा फीमेल वाले कैरेक्टर शो होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या आता है कि गर्ल्स आर मिसिंग वन और देयर एक्स क्रोमोसोम, गर्ल्स क्या करती हैं, मिसिंग कर देती हैं एज एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। इंटेग्रिटी नॉर्मल्स बट फिजिकल एंड सेक्शुअल मैच्योरिटी प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसमें क्या होती है, जो जो इंटेलिजेंसी पावर होती है वो तो हमारी नॉर्मल होती है, बट जो फिजिकल और जो सेक्शुअल मैच्योरिटी होती है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये सब हमारे क्या है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर एंड क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको पिक्चर्स शो हुई है, ये वाली पिक्चर्स में क्या है, ये आपका डाउन सिंड्रोम बताया है, फ्लैट बैक ऑफ हेड, मैनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स, पाम क्रीसीज हो जाएंगे, ठीक है, ब्रॉड फ्लैट फेस हो जाएगा, बिग एंड रिंकल टंग एंड कंजेंटियल हार्ट डिसीज। यहाँ पे ये सारा क्या है, ये आपका डाउन सिंड्रोम वाला पार्ट है। मे बी बेटा आपको वाली पिक्चर्स देके भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको पिक्चर्स भी पता होनी चाहिए कौन सा सिंड्रोम कॉज कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका जो बताता है कि टॉल स्ट्रक्चर्स विद अ फेमिनाइज कैरेक्टर, अभी हमने पढ़ा कि मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर आ गए, मीन्स एज अ क्लिनफेल्टर शो हो रहा है ना, ये हमारा क्या था, क्लिनफेल्टर वाला था। फीमेल ये वाला था, फीमेल में एक्स क्रोमोसोम थोड़ा मतलब मिसिंग था, तो वो क्या था, शॉर्ट सूचर्स एंड द अनडेवलप्ड फेमिनाइन कैरेक्टर्स, फेमिनाइन कैरेक्टर्स डेवलप अनवो हो जाएंगे, वो टर्नर सिंड्रोम में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट
यहाँ से अभी हमने ये जो हमारा था वो जेनेटिक डिसऑर्डर जो था वो हमारा लास्ट फिनिश हुआ, जेनेटिक हमारी फिनिश हुई. देन यहाँ पे हमारी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आती है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मॉल बायो. क्लियर? चलो तो अब आप स्ट्रक्चर से समझ गए हो क्या स्ट्रक्चर है ये. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर है. किसका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें मैंने बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस कराए हैं. ठीक है, एज अ पूरे सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन कराए हैं हमने, हर चैप्टर के अपने क्वेश्चंस कराए हैं. ठीक है, उसके बाद मैंने असर्शन रीजन भी कराए हैं, कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स भी, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कराइए. वहाँ पर आपको ये आप देखने के बाद वहाँ से आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो. क्लियर? तो देखो यहाँ पे ये सब हमारा क्या लगा हुआ है, ये हमारे यहाँ पे पेंटोज शुगर है. ये क्या है? हमारे यहाँ पे पेंटोज शुगर है. ठीक है, ये 3' पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप. एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस पे कनेक्ट होता है, 5' पे या 3' पे? क्या बताओगे? 3' पे. एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि फॉस्फेट कहाँ से कनेक्ट होता है, 5' पे अटैच होता है. ठीक है, एक बात और, यहाँ पे अब जो ये हमारी पेंटोज शुगर हो गई और ये जो हो गया वो हमारा नाइट्रोजीनियस बेस पेयर. ठीक है, आप देख रहे हो एडिनिन, गुआनिन, एथायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, इनके बीच में जो बॉन्डिंग लग रही है ना बेटा, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, इस बॉन्ड को आप क्या बोलते हैं, यहाँ पे आता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक. आप क्या बोल सकते हो? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक है, बॉन्ड. नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो आपका ये जो पेंटोज शुगर है, जो फॉस्फेट, ये वाला जो बॉन्ड लगा है, एक सेकेंड, ये जो बॉन्ड जो लगा है ना, इसको आप बोलते हो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गए. ठीक है, अब आप जब डीएनए का स्ट्रक्चर देखोगे इस तरीके से, अभी हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इस तरीके से. मैं भी आपको शॉर्ट में ऐसी बता देती हूँ. यहाँ पे जो हमारे नाइट्रोजीनियस बेस अटैच्ड होंगे, तो ये जैसे सपोज एडिनिन थायमिन के साथ कनेक्ट है, गुआनिन साइटोसिन के साथ, तो एडिनिन जो गुआनिन के साथ कनेक्ट है विद अ डबल बॉन्ड, एंड गुआनिन जो साइटोसिन के साथ कनेक्ट है विद अ ट्रिपल बॉन्ड. तो दीज बॉन्ड आर कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड. ये बॉन्ड से क्वेश्चन पक्का आ जाएगा आपका. यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि बॉन्ड कौन कौन से बॉन्ड होते हैं. नाइट्रोजीनियस बेस पेयर के जो बीच में बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. यहाँ पे आपका जो पेंटोज शुगर होती है और जो फॉस्फेट जो कनेक्ट होता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है. पेंटोज शुगर और जो आपका नाइट्रोजीनियस बेस पेयर होता है उसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं. ये पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बन जाती है, जो कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 5' to 3' पे. ठीक है, नेक्स्ट आइए, आगे आपका डीएनए का डबल हेलिक मॉडल स्ट्रक्चर आपको डायरेक्टली पूछ लेगा. डीएनए का डबल हेलिक मॉडल स्ट्रक्चर्स किसने दिया था? सबसे पहले तो उसको फ्रेडरिक मेशर्स ने बताया था, एज अ न्यूक्लियन का नाम दिया था, बट बाद में उसको डीएनए का डबल हेलिक मॉडल स्ट्रक्चर्स के नाम से ये फेमस हुआ था. ठीक है, डीएनए डबल हेलिक है ये. तो यहाँ पे इसमें ये मेजर ग्रुप्स हो गए, ये माइनर ग्रुप्स हो गए, ये बेसिस हो गया. यहाँ से सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो ये 5' to 3' and 3' to 5', बोथ स्टैंड आर एंटी पैरलर, दोनों स्टैंड आपके एंटी पैरलर है. बट जो मेरा जो मेन कंसर्न है ना वो क्या है, आपको देखो अभी हमने पढ़ा था ना हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द बेसिस, इन बेसिस के बीच में क्या बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. ठीक है, अच्छा यहाँ पे अभी ये आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि बेटा ये जो पूरा जो वन टर्न हेलिक्स होता है ना, इसकी डिस्टेंस होती है 3.4 nm. ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है. अब ये जो ये होता है आपका टू नाइट्रोजीनियस बेस की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 0.34 nm. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये जो वन टर्न हमारा हेलिक्स हो गया, अभी हमने पढ़ा वन टर्न हेलिक्स की डिस्टेंस कितनी थी, इतनी थी 3.4 nm. क्लियर? अब ये यहाँ पे जो हमारे नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं ना वो हमारे 10 होते हैं. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and then 10. अभी जो 10 है ना, तो अब दो नाइट्रोजीनियस बेस की डिस्टेंस देख रहे हो ना, तो आप क्या लगा दो, 10 से डिवाइड कर दोगे. जब 10 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.34 nm आ जाएगा. ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, और यहाँ से एक इसके यहाँ से आपसे वृत्त पूछ सकता है कितनी होती है, 20 nm. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है. इसका आपका साइंटिस्ट का नेम, साइंटिस्ट कौन है इसके, वॉटसन एंड क्रिक. कौन है? वॉटसन एंड क्रिक. वॉटसन एंड क्रिक ने इसको डबल हेलिक मॉडल को किया था, मतलब स्टार्टिंग की थी, इसको बताया था, जैसे एक्सप्लेन किया था, देन साथ में इन्होंने नोबेल प्राइज भी अपना लिया था इसके लिए. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में ये आपका न्यूक्लियोसोम मॉडल आता है. न्यूक्लियोसोम आपने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा है, यूकैरियोट्स में पढ़ा है. ये आपका यहाँ पे क्या आता है, एक इसका केस बता रही हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना. इसमें डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है. डीएनए कैसा होता है आपका, नेगेटिवली चार्ज होता है. Whereas
ऑक्टीन जो होता है आपका, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, या ये आप इसको लगा लो हिस्टोन ऑक्टोमर जो होते हैं, इसमें यहाँ पे एट होते हैं, H1, H2A, H3A, ठीक है, H3 और H4। देखो या जो हिस्टोन कोर ऑफ आप यहाँ पे लिख लो, ये जो प्रोटीन होती है वो पॉजिटिव होती है, ये जो प्रोटीन होगी वो कैसी होगी आपकी, पॉजिटिव होगी, प्रोटीन आपकी पॉजिटिव होगी और डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये बता दोगे कि आपका फिर ये बेसिक हो जाएगा और ये आपकी एसिडिक नेचर की हो जाएगी, ये आपकी बेसिक और ये आपका एसिडिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आपकी हिस्टोन ऑक्टोमर कौन कौन सी होती हैं, इसमें होती है आपके यहाँ पे H2A, H2B, H3 और H4। यहाँ पे बेटा इसके टू मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने होते हैं, टू टू होते हैं, मतलब 2H2A, 2H2B, 2H3 और 2H4, तब ये हिस्टोन ऑक्टामर बनता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे ये H1 हिस्टोन कि कौन किसको रैप करती है, तो आपको बताना है DNA रैप होता है अराउंड द प्रोटीन, नेगेटिवली चार्जेस क्या होता है, रैप होता है अराउंड द प्रोटीन के, ठीक है, नेगेटिव प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज के रैप होगा, तो ये चीज़ इसमें आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, यहाँ पे आपको एक मॉडल है, अब ये कौन सा मॉडल है इस मॉडल के बारे में देखते हैं, यहाँ पे मटेरियल्स इन द डेड बैक्टीरियल सेल्स एंड कैन ट्रांसफॉर्मिंग, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ द बैक्टीरियल सेल का, ठीक है। मैथड में क्या है, यहाँ पे लिविंग एसिड स्ट्रेन वायरुलेंट, एक एसिड स्ट्रेन लिया था, एक आर स्ट्रेन लिया था, एक लिविंग आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या था, एसिड स्ट्रेन जो था वो स्मूथ कॉलोनी थी, जो एसिड स्ट्रेन है वो आपकी क्या है, स्मूथ कॉलोनी, एंड दिस वन इज कॉल्ड आर जो है आपकी रफ कॉलोनी इज है, ठीक है, ये रफ कॉलोनीज हैं। तो जो स्मूथ कॉलोनीज हैं मतलब वो एक स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रही थी, ठीक है, मतलब एक अपने एक सीक्रेशन प्रोड्यूस कर रही थी, आप ये बोल सकते हो, तो जो कि वायरुलेंट नेचर की थी, और आर जो थी वो रफ थी, वो कोई अपना सीक्रेशन प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, तो वो नॉन वायरुलेंट नेचर की थी। यहाँ पे डेड स्ट्रेन हीटेड, देखो अभी हम इसमें देखते हैं कि लिविंग एसिड स्ट्रेन था वो वायरुलेंट था, तो माउस डाई हैज लिविंग एसिड स्ट्रेन, उसमें क्या था, एसिड स्ट्रेन था, तो माउस क्या हो गया वहां पे, डाई कर गया। आर रफ कॉलोनीज थी, नॉन वायरुलेंट नेचर था, तो क्या था, माउस लाइव लिव कर गया, क्यों लिव कर गया, क्योंकि बिकॉज इट कांट, यहाँ पे क्या नहीं था, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इट्स नो एज अ एसिड स्ट्रेन, यहाँ पे क्या नहीं था, एसिड स्ट्रेन नहीं था। नेक्स्ट, डेड एसिड स्ट्रेन हीटेड, अब एसिड स्ट्रेन को क्या किया, हीट कर दिया, जब उसको हीट कर दिया तो माउस लाइव कर गया, नो लिविंग एसिड स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे एसिड स्ट्रेन नहीं था, उसको हीट कर दिया, जब हीट कर दिया तो वो खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, मिक्स, अब दोनों को क्या करा, मिक्स कर दिया, कैसे मिक्स किया, लिविंग आर स्ट्रेन एंड डेड एसिड स्ट्रेन, जो डेड एसिड स्ट्रेन था और लिविंग आर स्ट्रेन था उसको मिक्स किया, तो देन माउस क्या हो गया, डाई कर गया, एंड हैज लिविंग एसिड स्ट्रेन, एसिड स्ट्रेन लिव कर गया और माउस डाई कर गया, ठीक है। कंक्लूजन क्या आया, अ केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम वन सेल इज जेनेटिकली ट्रांसफॉर्मिंग इन अनदर सेल, की एक जो आपका जो भी सब्सटेंस होता है वो ट्रांसफर कर जाता है अनदर सेल में, ठीक है, ये आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था ऑफ द बैक्टीरिया का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें आता है आपका यहाँ पे एक ये हर्शे-चेज मॉडल है, हर्शे-चेज मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बैक्टीरियोफेज पे किया था, ये आपका क्या है, ये बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस नॉट अ बैक्टीरिया, ठीक है, विच कॉज अ बैक्टीरिया, यहाँ पे क्या करता है, ये देखो ये आपका एक वायरस हो गया, बोलोगे बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस विच कॉज द डिसीज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में डिसीज कॉज कर देता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से ऐसे पुटअप हो सकता है, इसमें तीन स्टेप होते हैं, इन्फेक्शंस, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफिकेशंस, तो जो इसमें यहाँ पे आता है कि ये आपको इसमें दो कंडीशन याद करनी है, एक तो सल्फर आपको पता होना चाहिए, सल्फर लिपिड और एक फॉस्फोरस लिपिड, ठीक है। तो जो सल्फर होगा ना उसमें क्या होगा आपका, प्रोटीन होगा, और जो डीएनए होगा मतलब वो फॉस्फोरस में प्रेजेंट होगा, तो इसमें बताना है कि प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटीरियल है या फिर जो हमारा डीएनए है वो हमारा जेनेटिक मटीरियल है। तो अब आप देखिए इसमें आपको ये एक सेल है, अब ये कौन सी सेल है आपको ध्यान में रखना है, ये ई कोलाई है, ई कोलाई मीन्स एज अ एशर्शिया कोलाई, क्या है, ई कोलाई। यहाँ पे इसका ये जो बैक्टीरियोफेज इसमें इंसर्ट किया, इसमें इन्फेक्ट किया, इसने अपना यहाँ पे अब जो प्रोटीन था, आप ये ऐसे याद रखना, एसपी, एस मतलब सल्फर और पी मतलब प्रोटीन, एसपी, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखना, आप डीपी यूज करते हो, डीपी ना, तो डी मतलब हो गया डीएनए और पी मतलब हो गया फॉस्फोरस, ठीक है, तो डीपी ऐसे याद रखना।
अब ऐसा मत कर देना कि आपने डीएनए लिखा और आपने वहाँ पे प्रोटीन लिख लिया, डीएनए प्रोटीन को एक साथ मैच मत कर देना। डीएनए हमें अलग आइडेंटिफाई करना है, प्रोटीन हमें अलग आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके साथ मिक्स हो गया, ये इसके साथ यहाँ पे आ गया। सेकंड में क्या हुआ, इसको ब्लेंडिंग कर दिया, इसका मैशअप कर दिया। जब इसका मैशअप कर दिया तो एशर्शिया कोलाई का डीएनए, ये जो ई कोलाई है एशर्शिया कोलाई का डीएनए और इसका प्रोटीन मिक्स हो गया, ठीक है। ब्लेंडिंग इसमें भी क्या हो गया, एशर्शिया कोलाई का डीएनए और फॉस्फोरस जो इसमें आ रहा था बैक्टीरियोफेज वाला जो डीएनए था वो भी मिक्स हो गया। नेक्स्ट जब सेंट्रीफ्यूगेशन में देखा तो आप बताओगे कि आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन नो सल्फर इन सेल, सेल में क्या नहीं था, सल्फर नहीं था, ठीक है, क्या नहीं था उसमें, यहाँ पे सल्फर डिटेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। इसमें आपका प्रोटीन पार्ट इसमें आपको मिला। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन फॉस्फोरस इन द सेल, लेकिन फॉस्फोरस क्या था, सेल में था, क्यों, क्योंकि वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हुआ। तो आप क्या कंसीडर करते हो इस मॉडल से, हमें यहाँ पे क्या पता चला हर्षे चेस के मॉडल से, कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल नॉट अ प्रोटीन इज जेनेटिक मटेरियल, क्लियर। तो प्रोटीन नहीं मिला यहाँ पे, आपको क्या मिला, फॉस्फोरस के फॉर्म में जो डीएनए था वो वन स्टेप, एक बैक्टीरियोफेज था और एक वो था, दो सेल हो गई ना, तो नेक्स्ट स्टेप में वो ट्रांसफर कर गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये आता है आपका सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, एक तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही है, आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा, दिस मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय, किसने मॉडल प्रपोज किया है, तो क्या बताओगे, मिसेलसन एंड सथल ने एक्सपेरिमेंट दिया ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, कि N14 एंड N15, N14 जो होते हैं वो बेटा लाइट होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो N14 होंगे वो कैसे होंगे, लाइट होंगे, और जो N15 होंगे वो कैसे होंगे, हैवी होंगे, ठीक है। अब N14 और N15 दोनों आ जाएंगे, तो दोनों कैसे आएंगे, हाइब्रिड आएंगे, दोनों कैसे आएंगे, हाइब्रिड, ठीक है। तो ये N15 हो गया, 20 मिनट्स के लिए क्या ये पूछ लेगा आपसे, ये क्या, ये भी एशर्शिया कोलाई है, ठीक है, आपसे पूछेगा ये N15 वाला था, 20 मिनट्स का टाइम लगा फर्स्ट जनरेशन में, आफ्टर सेकेंड जनरेशन में कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट्स। अभी यहाँ पे एक से दो बना रहा है, दो से कितना बना देगा, चार बना देगा, ये जनरेशन फर्स्ट, ये जनरेशन सेकेंड, यहाँ पे N15 डीएनए, N14 आपको यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है, ठीक है, ये 20 मिनट्स में है, यहाँ पे उसमें क्या किया, 40 मिनट्स में करके जनरेशन में, ये N14, ये N15 का हो गया, ये N14, ये N14, अब इसमें अलग अलग बता दिया, ये हैवी का केस बता दिया, N15 वाला, हाइब्रिड वाला बता दिया, N14 15 लाइट और हाइब्रिड बता दिया। इसमें अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता तो आप इसको जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जिस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उस लेक्चर में आप जेनेटिक के सीरीज वाइज आप इसमें टॉपिक को देख सकते हो, वहाँ पे मैंने इजीली इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो यही हो सकते हैं कि सबसे पहले तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल किसने दिया था, मिसेलसन सथल ने दिया था, हाइब्रिड जो ले था मतलब वो कौन सा था, इसमें जो आइसोटॉप्स लिए थे वो कौन सा था, नाइट्रोजन था, है ना, जो हैवी आइसोटॉप जो था N15 था, लाइट जो था वो N14 था। इसके बाद आपसे पूछ लेंगे कि एशर्शिया कोलाई पे किया था, ये आपको पता होना चाहिए, कितना टाइम ड्यूरेशन, फर्स्ट जनरेशन को फॉर्म होने में कितना टाइम लगता है, सेकेंड जनरेशन को फॉर्म होने में कितना टाइम लगता है, तो आपको बताना है 20 और 40 मिनट्स, ठीक है। तो इसमें आपसे इतने ही क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट यहाँ से क्या पुटअप होगा आपका, रेप्लिकेशन फॉर्क, ये क्या है आपका, रेप्लिकेशन। अब हम मॉल बायो पढ़ रहे हैं, तो मॉल बायो में हमने यहाँ पे तीन चीज़ें पढ़नी है, एक हमने रेप्लिकेशन पढ़ना है, एक हमें ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, एक हमें ट्रांसलेशन पढ़ना है। मैं यहाँ पे तीनों बता देती हूँ, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और एक हमें पढ़ना है बेटा इसमें यहाँ पे ट्रांसलेशन, ठीक है। तो रेप्लिकेशन, एक मैं आपको सेंट्रल डोगमा वाली कंडीशन बताती हूँ, देखो एक ये मैंने क्वेश्चन में भी सॉल्व करवाई है, डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए और आरएनए से आपका प्रोटीन, ठीक है। देखो डीएनए से जो डीएनए होगा वो होगा आपका रेप्लिकेशन, वो क्या होगा, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए जो होगा उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, क्लियर है। और आरएनए से जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, इस प्रोसेस को ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से पुटअप भी हो सकता है आपसे। और आरएनए से जो डीएनए बनेगा उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये स्टेप तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन इसमें यहाँ पे ये भी आ सकता है कि जो इसमें एंजाइम होंगे वो कौन से होंगे, तो देखो डीएनए से आरएनए बनेगा तो क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्या यूज करोगे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा एक सेकेंड, ये आपका क्या हुआ, ये आपका केस बनेगा किसके केस में, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मींस रेप्लिकेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है,
ठीक है। एक केस आता है आपका यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसमें, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब आप मुझे बताइए ये क्या बना यहाँ पे, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए से आरएनए मींस ट्रांसक्रिप्शन बना, क्या बना यहाँ पे हमारा, ट्रांसक्रिप्शन, क्लियर। अब हमें इसमें देखना है हमारा ये रेप्लिकेशन फॉर्क, यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे बनता है। आपको पता होना चाहिए हमेशा कि जब भी डीएनए जो होता है स्टार्टिंग हमारी 5' से होती है, तो 5' to 3' ये गया बेटा, और 3' to 5' ये आया। तो अब आप देखिए ये आपका यहाँ पे फॉक प्रोग्रेस हो रही है, मतलब फॉक की प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। ये पेरेंटल डुप्लेक्स है, यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड, ये लीडिंग स्ट्रैंड, एंड दिस वन इज कॉल्ड लेगिंग, इसको आप लेगिंग स्ट्रैंड बोल सकते हो। आप आपसे पूछेगा कि लीडिंग स्ट्रैंड कैसे स्टार्ट होती है, तो आप बताओगे 5' से स्टार्ट होती है। कैसे बताओगे आप, जो लीडिंग स्ट्रैंड होती है कहाँ से होती है, 5' से स्टार्ट होती है। वेयर इज जो आपका लेगिंग स्ट्रैंड होता है वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से 3' से, ठीक है। यहाँ से धीरे धीरे वन बाय वन करके ऐसे फॉग बनते हैं। यहाँ पे आपके आरएनए प्राइमर ऐड होते हैं, तो आरएनए प्राइमर कहाँ पे ऐड होंगे, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी जो लेगिंग स्टैंड होंगे, लीडिंग तो ऐसे ध्यान रखना, लीडिंग जो होंगे वो कंटिन्यूस होता है, मतलब लीड होते हुए आ रहे हैं कंटिन्यू वे में आ रहे हैं, बट जो लेगिंग स्टैंड होगा ना, लेगिंग से आप ऐसे ध्यान रखना स्टेप बाय स्टेप, तो स्टेप बाय मतलब थोड़ी सी गैपिंग आ जाएगी, तो उन गैपिंग को ओकाजाकी बोला है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब ओकाजाकी क्यों बोला, क्योंकि ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट थे, इसीलिए इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको बोल दिया ओकाजाकी फ्रेगमेंट और लेगिंग स्टैंड, क्लियर है। तो बस यहां से जो क्वेश्चन पुटअप होगा वो आपसे 5' को लेकर हो सकता है। आपको हो सकता है डायरेक्टली ये स्टैंड हियर एप्लीकेशन फॉग दे दे, आपको पूछे 5' to 3' की पोजीशन, आपकी लोकेशन चेंज कर दे, तो अगर आपको पता होगा तो आप प्रॉपर बता पाओगे, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है लीडिंग स्टैंड हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, 5' से, और जो आपका लेगिंग स्टैंड होगा वो आपका यहाँ से इस तरीके से ऐसे बनकर आएगा, अपोजिट होंगे दोनों 5 to 3 or 3 to 5, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्या आता है हमारे यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ये हमारा प्रोकैरियोट्स में कैसे आता है देखो, इसमें आपके क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आपको इतना पता है इनिशिएशन एलोंगेशन टर्मिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन में 3 प्रोसेस होती है, इनिशिएशन होता है, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन जो क्वेश्चन पुटअप होगा कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन किसके थ्रू होता है, आप क्या बताओगे, रो फैक्टर, सॉरी सिग्मा फैक्टर, क्या बताओगे, इनिशिएशन जो होगा वो सिग्मा फैक्टर से होगा, और जो टर्मिनेशन होगा वो कहां से होगा, रो फैक्टर। एक क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनता है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखना कि इनिशिएशन सिग्मा फैक्टर करेगा, टर्मिनेशन रो फैक्टर करेगा, एंड इलोंगेशंस में आगे जो भी, मतलब इलोंगेट में तो जितना भी जो आपका ये जो पूरा जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो इलोंगेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये क्या आ गया आपका, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो जो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स होता है उसमें कैसा आता है, उसमें क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, यहाँ पे आपका ये बात आपको याद ही रखनी है कि 5' to 3' and 3' to 5', ये तो आपको पता है कि बोथ स्टैंड आर एंटीपैरेलल, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पुटअप होगा कैपिंग एंड टेलिंग, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से कि कैपिंग और टेलिंग। कैपिंग हमेशा क्या, कैप हम कहाँ पहनते हैं, ऊपर पहनते हैं, और ऊपर मतलब हमें पता है हमारा डीएनए का स्ट्रैंड कहाँ से स्टार्ट होता है, 5' पे, तो कैपिंग कहाँ पे होगी, 5' पे होगी, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि कैपिंग 5' पे। अब वहाँ पे क्या होगा, G triple P का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट आ जाएंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे ट्रिपल पी लिखा हुआ है ना, इसका मीनिंग यही है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो टेलिंग वो हमारी कहाँ होगी, पॉलीएडिलेशंस पर हो जाएगी, एडिनाइलेशंस पे हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या है हमारी, वो टेल की कंडीशंस है, ठीक है। तो आपको 3' पे, आपको ये दो पॉइंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा, तो सिग्मा और रो फैक्टर पढ़ा, तो सिग्मा हमारा इनिशिएशन कर रहा था, रो फैक्टर टर्मिनेट कर रहा था। ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में हमने कैपिंग और टेलिंग पढ़ी, तो कैपिंग का होती है 5' पे, 3' पे टेल हो जाती है, ठीक है। तो उसमें जीपी भी था और इसमें पे क्या था, पॉलीएडिनाइलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मत भूलना, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, ये क्या है आपका, टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए को क्या कहते हैं, सोल्युबल आरएनए कहते हैं, ठीक है। इसको
क्या बोलते हैं ये क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पुट अप होता है वो ये कि जिसका जो थ्री प्राइम आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है थ्री प्राइम, तो यहाँ पे क्या होते हैं यहाँ पे हमारा क्या हाइड्रोक्साइल ग्रुप आके बाइंड होता है, क्या होता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप आके बाइंड होता है। यहाँ पे एंटीकोडोन्स हो गए, ये इसका टी लूप, ये क्या हो गया इसका टी लूप हो गया, ये इसका क्या हो गया वेस्ट्रियल लूप्स हो गया, ये इसका एंटीकोडोन लूप हो गया, ये इसका डीएचयू लूप हो गया, ये डाईहाइड्रोक्सी यू लूप हो गया डीएचयू लूप, ये इसका एंटीकोडोन लूप। यहाँ पे क्या होता है बेटा यहाँ पे आपके जो भी अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आके बाइंड होते हैं, देन वो इंटरचेंज होते हैं, ये क्या करता है उनको चेंजिंग करता है, ठीक है। जब चेंजिंग कर देगा मतलब रेड करेगा देन उनको अल्टरनेट कर देगा, चेंजिंग कर देगा, जो कि ट्रांसलेशन में आगे ये हेल्प करेंगे, ठीक है। और ये टी लूप क्या करता है ये उसको रेड करता है, रिकॉग्नाइज करता है, सेम एज डीएचयू लूप का भी काम होता है, जितने भी हमारे एंटीकोडोन्स लूप आते हैं उनको रेड करता है, ठीक है। तो ये हमारा टीआरएनए का स्ट्रक्चर सबसे पूछ लेगा, हु वॉज प्रपोज बाय, ये किसने प्रपोज किया था टीआरएनए का स्ट्रक्चर, आप क्या बताओगे होली ने प्रपोज किया था, किसने होली, होली वो खेलने वाली होली नहीं है ये क्या है ये साइंटिस्ट का नेम है, क्या है होली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा होली ने दिया था, इसको मैंने अभी आपको बताया, इसको सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं, सॉल्युबल आरएनए। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका क्लोव लाइक, कैसा होता है क्लोव लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आपको उसने पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसके लूप्स पता होने चाहिए बस, और कुछ नहीं, आपके थ्री प्राइम्स पता होना चाहिए, फाइव प्राइम पे इसकी एंडिंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आता है आपका ट्रांसलेशन, ये आपका ट्रांसलेशन का पॉइंट है। ट्रांसलेशन में आपको क्या करना है कि ट्रांसलेशन में पता है आरएनए से प्रोटीन बनेगा, वो प्रोसेस हमारी ट्रांसलेशन है। अब आपको पता है ये जो फाइव प्राइम है जो थ्री प्राइम है ना, अच्छा एक क्वेश्चन जो पुट अप हो सकता है ध्यान रखना, ये फाइव प्राइम से पहले और एंड प्राइम थ्री प्राइम के बाद में यहाँ पे क्या होता है यूटीआर होता है, क्या होता है यूटीआर, आपसे पूछ लेगा यूटीआर क्या होता है, तो आप क्या बताओगे अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है, ये अनट्रांसलेटेड रीजन है आपका। यहाँ पे आपके एम आर एन ए, यहाँ पे अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, देन आपका ये टी आर एन ए, अभी हमने पढ़ा ना कि एंटीकोडोन लूप उस पर इंटरचेंज करता है, यहाँ पे ये चेंज कर करके ये भी अमाइनो एसिड्स को बना देगा, पूरी चेन बन जाएगी अमाइनो एसिड्स की इस तरीके से, ठीक है। ये पूरी क्या होगी यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होगी, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी मिलेगी इसको, यहाँ पे एनर्जी होगी एटीपी के फॉर्म में होगी, है ना। तो ये सब हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ से जो मेन क्वेश्चन आता है वो मैंने आपको बताया इसमें अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन आपका क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन एक लैक्टोज है, उसमें हम देखते हैं, देखो आपने लैक ऑपेरन पढ़ी है, क्या पढ़ी है लैक ऑपेरन। लैक ऑपेरन में क्या आता है, लैक ऑपेरन आपको पता है कि फॉर्मेशंस करता है किसका लैक्टोज का, ठीक है। यहाँ पे नो लैक्टोज एंड विद लैक्टोज दोनों कंडीशन है, इसको समझिए, पहले इसमें प्रमोटर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, व्हेन लैक्टोज इज अब्सेंट द लैक रिप्रेसर बाइंड टाइटली टू द ऑपरेटर, जब लैक्टोज अब्सेंट होती है ना तो क्या होता है जो रिप्रेसर होता है वो बाइंड हो जाएगा किसके साथ ऑपरेटर के साथ, इट गेट इन आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज के पास जाएगा एंड प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन, सारी प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कर देगा। एक आपसे ध्यान रखना, ये जो जेड वाई है ना लैक जेड लैक वाई लैक ए, ये क्या है मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, देखो इसको ध्यान रखना, ये क्या है आपका लैक Z, L A C के लेक Y और ये क्या है L A C के लेक A, Z Y A, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चुलर जीन। ये क्या है बेटा आपके स्ट्रक्चुलर जीन, ठीक है, ये स्ट्रक्चुलर जीन है, इसको बोलते हैं, ये है आपका बीटा ग्लैक्टोसिडेज, बीटा ग्लैक्टोसिडेज, दिस वन इज कॉल्ड, ये क्या है आपका यहाँ पे देखो यहाँ पे परमीज एंड दिस वन इज कॉल्ड ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, इनके अपने अलग अलग फंक्शन करते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर सपोज कोई नो लैक्टोज, अगर लैक्टोज नहीं होगी एब्सेंट होगी तो इट गेट द आरएनए पॉलीमरेज प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन, जितनी भी ये सारे स्ट्रक्चरल की प्रोसेस होती हैं स्ट्रक्चरल जीन की वो क्या कर देता है स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट केस में विद लैक्टोज, लैक्टोज रीअरेंज लैक्टोज बाइंड टू द लैक रिप्रेसर एंड मेक इट द लेट गो टू द ऑपरेटर, वो कहाँ चला जाता है ऑपरेटर के पास चला जाता है। आरएनए पॉलीमरेज कैन नाउ ट्रांसक्रिप्ट द ऑपरेटर, अब आरएनए पॉलीमरेज क्या कर देगा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर देगा। ये प्रमोटर हो गया ये आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये ऑपरेटर ये जेड वाई सी, ये रिप्रेसर हो गया, यहाँ पे ये आगे बाइंड हो जाएगा, ठीक है।
ये हमने लैक ऑपरेंट पढ़ा, इसमें आपके डायरेक्टली इसके फंक्शन पूछ सकता है कि बीटा ग्लैक्टोसिडेज और परमेज वगैरह परमेबिलिटी दे देता है बीटा ग्लैक्टोसिडेज को, ठीक है। ट्रांसएसिटाइलेज का ज़्यादा कोई फंक्शंस नहीं है, बस उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, ठीक है। बस नेक्स्ट देखिए, अब आपसे क्वेश्चन आता है एच जी पी आपका क्या होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है। इसके गोल्स आपको पता होनी चाहिए, इसके गोल्स क्या होते हैं, टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स इन अ ह्यूमन डीएनए को सारे जीन्स को आइडेंटिफाई करना फर्स्ट गोल है इसका। टू डेवलप अ जेनेटिक लिंकेज मैप ऑफ द ह्यूमन जीनोम में जितने भी जेनेटिक मेकअप होते हैं उनके लिंकेज को मेकअप करना, तो उसको डेवलप करना सेकेंड गोल। टू ऑप्टेन अ फिजिकल मैप ऑफ द ह्यूमन जीनोम में फिजिकल मैप को ऑप्टेन करना, ये इसका थर्ड गोल है। फोर्थ इसका गोल क्या आता है, टू डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन जीनोम इन्फॉर्मेशन। ह्यूमन के जो जेनेटिक कोडोन होते हैं, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं, उसको क्या करना, मैनेज करके रखना, ठीक है, एज अ टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। टू नो द फंक्शन ऑफ द जीन के फंक्शंस को के बारे में पता होना, ठीक है। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल्स बेस पेयर दैट मेकअप द ह्यूमन डीएनए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि 3 बिलियन केमिकल्स बेस पेयर्स होते हैं, उनको मेकअप करता है ह्यूमन के डीएनए को, उनके सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है। किसका गोल है ये, एचजीपी का। स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन इज द पब्लिक डेटाबेस के फॉर्म में इसको हमें क्या करना, इसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। अब डिटेक्ट भी कर लिया, एनालाइज भी कर लिया, अब इसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर भी तो होगी ना। डेवलप टूल्स फॉर द डेटा एनालिसिस, अब जिस डेटा को एनालाइज किया है उसके टूल्स को डेवलप भी तो करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू द प्राइवेट सेक्टर में इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना। तो ये इसके सारे क्या हैं, गोल्स हैं, आपके गोल्स पूछ लेगा, एचजीपी की फुल फॉर्म पूछ लेगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मेगा प्रोजेक्ट। ये मेगा प्रोजेक्ट होता है, क्यों होता है मेगा प्रोजेक्ट, किसके 3 बिलियन बेस पेयर जो होते हैं केमिकल्स उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए 9 बिलियन यूएस पर डॉलर्स में खर्च होता है, ठीक है। अब इसमें इतना ध्यान रखना, ये मेगा प्रोजेक्ट इसलिए बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, अब आता है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप इन साइंटिस्ट को देख के समझ ही गए होंगे, साइंटिस्ट कौन है, एलेक्स जेफ्री है ना। अ टेक्निक यूज बाय साइंटिस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज को भी डिस्टिंग्विश करें यूजिंग ओनली द सैम्पल फॉर देयर डीएनए, उनके डीएनए के थ्रू। इन्वेंटेड बाय द एलेक्स जेफ्री, ठीक है, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, याद रखना एलेक्स जेफ्री है, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लेशियर्स इन 1985 में उन्होंने बताया था, ठीक है। अब इसके हम ये देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसके स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप हम देखते हैं, सबसे पहले तो ब्लड सैंपल, क्या किया, ब्लड सैंपल लिया। नेक्स्ट, डीएनए इज एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम द ब्लड सेल से। अब डीएनए को क्या किया, क्या कर लिया, उसमें निकाल लिया ब्लड सेल से, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लिया। नेक्स्ट, थर्ड स्टेप में क्या हुआ, डीएनए इज कट, फ्रेगमेंट के फॉर्म में कट गया विद अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो डीएनए को छोटे छोटे पीसीज में कट करेंगे ना, वो किसके थ्रू कट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ स्टेप में क्या किया, द डीएनए फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड इनटू बैंड के फॉर्म में सेपरेट हो गया ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है कि जो डीएनए जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, वो प्रोटीन की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है, इन एगोरस जेल में। तो एगोरस जेल में इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ, तो डीएनए ने क्या करना, अपना मूव सेपरेटेड होना शुरू कर दिया। फिफ्थ स्टेप में आप बताओगे, द डीएनए बैंड पैटर्न्स इन द गेट इज ट्रांसफर टू द नायलॉन मैम्ब्रेन। अब जो डीएनए जो ट्रांसफर हो रहा है, वो नायलॉन मैम्ब्रेन से पास आउट हो रहा है बाय द टेक्निक्स नोन एज अ साउदर्न प्लॉटिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एंड रेस्ट्रिक्शन पॉइंट, ये तो आपका सिंपल है कि ब्लड लिया उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब थर्ड पॉइंट में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू कट किया, फोर्थ पॉइंट में इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ, ठीक है, एगोरस जेल से, एंड फिफ्थ पॉइंट में आपकी नायलॉन मेम्ब्रेन हुई जो कि आपकी साउदर्न ब्लॉटिंग होती है। नेक्स्ट, सेवन्थ स्टेप में क्या आया, द डीएनए प्रॉप बाइंड्स टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ऑन द मेम्ब्रेन। अब जो स्पेसिफिक जो मेम्ब्रेन होती है उस पर डीएनए जो है, डीएनए के प्रॉप्स पे जाके बाइंड होना स्टार्ट हो गए। एक्सेस डीएनए प्रॉप इज वॉश्ड ऑफ, जितने भी एक्सेस डीएनए थे वो वॉश ऑफ हो गए, वो निकल गए वहां से। नाइन्थ स्टेप में आपका क्या होगा, इस स्टेप में ये देखोगे, ये जो रेडियो एक्टिव प्रॉब होंगे वो बाउंड हो जाएंगे डीएनए से, प्रॉब्लम डीएनए के जो पैटर्न्स होंगे उसमें ऑन द मैम्ब्रेन पे जो डीएनए के पैटर्न्स होंगे वो बाउंड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। टेंथ स्टेप में हम देखते हैं कि एक्सरे फिल्म इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द मैम्ब्रेन टू डिटेक्ट द रेडियो एक्टिव
पैटर्न, उस रेडियो एक्टिव पैटर्न को हम एक्सरे जो फिल्म होगी उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक्सरे उसमें डीएनए के पैटर्न को. नेक्स्ट 11th स्टेप में क्या आता है आपका, द एक्सरे फिल्म इज डेवलप्ड टू मेक विजिबल द पैटर्न बेंड्स. जो एक्सरे जो होती है उसको मोर विजिबल और ज्यादा बना देती है डीएनए के पैटर्न को, विच इज नोन एज अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. वही आपकी क्या होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. अगर इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आप स्टेप बाय स्टेप करके समझोगे तभी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी. उसके बाद फिर आप एक एनसीईआरटी की पिक्चर देखना, देन फिर आपको वो क्लियर होगा कि वो किस तरीके से उसको हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है. तो यहां पे अभी हमने अपना ये पूरा कितने 5 चैप्टर हमने फिनिश किए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला फिनिश किया, उसके बाद हमने जेनेटिक फिनिश करी, देन हमने मॉल बायो. इसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हमने, मोस्ट ऑफ टॉपिक देखे, मैंने आपको क्वेश्चंस भी बताया कि कहां से किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, क्लियर. आप इसको इतना कवर करना और इसमें जो हमने सारे MCQs कराए आप उनकी प्रैक्टिस करना, आपका बहुत अच्छे से पेपर जाएगा. ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.